आपको वेलकम करते हैं. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. मैंने आप लोगों को मेंशन किया था कि मैं अनकरीब कोशिश करूंगी अपने एक बहुत ही डियर फ्रेंड हु इज आल्सो एन अमेजिंग स्पीकर. आई विल टेल यू गाइस अबाउट हिम इन अ मिनट. बट अ डियर फ्रेंड जिनको मैं डैलस में छोड़ आई हूँ, वन ऑफ दोज पीपल जिनको मैं अभी भी मिस करती हूँ डैलस से आने के बाद. ज्यादातर चीजें अमेरिका की मैं मिस नहीं करती, एक्सेप्ट मैंने एक दिन कहा था, एक मैं अपनी गाड़ी को मिस करती हूँ और एक मैं अपने फ्रेंड्स को मिस करती हूँ. अदर देन दैट आई डोंट थिंक देयर इज मच दैट आई मिस अबाउट द यूएस, व्हिच इज वेरी सरप्राइजिंग. और उन फ्रेंड्स में से एक फ्रेंड इज आजाद खान. आजाद इज लाइक आई सेड अ वेरी डियर फ्रेंड. बट आज आप लोगों के लिए मैंने इसलिए इनवाइट किया था आजाद को बिकॉज आई हैव लर्नड अ लॉट विद हिम फ्रॉम हिम. And we have done shows together which people have really enjoyed and loved. और हम लोगों की आम तौर पे जो talks होती हैं जब हम आपस में गपशप भी कर रहे होते हैं, एक तो ये कि they are very funny और हम दोनों ज़्यादा देर तक serious नहीं रह सकते. खास तौर पे आज़ाद, he has a great sense of humor. But at the same time, आज़ाद के साथ बात करने के बाद, ही इज़ वन ऑफ दोज फ्रेंड्स, जब हम गप्पे लगा रहे होते हैं तो उसमें से कोई ना कोई चीज़ हम ऐसी ज़रूर लेके उठते हैं जिससे फील होता है कि माइंड गॉट एक्सपेंडेड, कि कोई नई चीज़ सोचने को मिली है, कोई नई चीज़ समझने को मिली है. और कई दफ़ा इसमें घंटों गुजर जाते हैं और हम माइंड की एक्सपेंशन में ही लगे रहते हैं. सो आई थॉट आई वुड इन्वाइट हिम टू आर शो हेयर टुगेदर बिकॉज एज यू गाइज विल फाइंड आउट एज आई टॉक टू हिम why I thought this topic especially how to create happiness in our lives, iske liye azad kyun itne behtareen shakhs hain jo hamare sath iske upar baat kare. So brief intro about azad for those of you that have not heard him. zahir hai jo dallas ke log hain wo to sab azad se bahut mohabbat bahut aqeedat rakhte hain. He's been serving the dallas community for many many years now. He is first of all he's a retired army officer, so wahan pe hamara pehla connection to wahan se milta hai because I come from an army family, so army mujhe hamesha family ki lagti hai. So Azad is a retired army officer. He's also the president and founder of Radio Azad, and he's a host and radio TV show, host of radio and TV shows. He's a playwright and he's a scriptwriter and also a poet. And as an actor, he recently appeared as lead in the Hollywood film Hala. Which was one of the 10 most viewed, most streamed films in the world in 2019. So yay for that, congratulations, that was amazing. And if you haven't seen Hala, you should, it's a really, really good flick. He is also going to be appearing in a Pakistani film this year, which I can't wait to see because wo asal maza aayega ki Azad sahab ko hum dekhenge ki wo romantic role kaise ada karte hain. क्योंकि उनके फ्रेंड्स को तो सिर्फ एक वो ही इंटरेस्ट है टू सी हिम इन दैट काइंड ऑफ अ रोल. एंड देन ही हैज रिटन एंड डायरेक्टेड एंड हैज बीन लीड एक्टर इन स्टेज प्लेस. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, असल रीजन जो हमारी दोस्ती का है, दैट इज बिकॉज ही इज ऑल्सो अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड अ लाइफ कोच ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग एल्स दैट ही डज. सो वेलकम आजाद, इट्स सो ऑसम टू हैव यू ऑन माई शो. Well, thank you very much for inviting me over to the show. और मैंने देखा भी और सुना भी है कि पाकिस्तान जाके आप अपनी लाइफ में और उसके अलावा सोशल मीडिया में काफी बिजी हैं, तो अच्छा लग रहा है आप काम कर रही हैं, वो जो चीज़ आपके दिल. I just need to keep that in front of me so I know that we're live, that we're streaming. Okay. आपका वीडियो पॉज हुआ हुआ है, अभी ठीक है? आपको कहा था, मैंने आपसे कहा था पाकिस्तान के ये तो सौगात है, ये तो पाकिस्तान की अब सौगात है कि तीन मुझे वाईफाई के बावजूद ये था, दो तीन दफा आई एम गोना गेट किक्ड ऑफ पाकिस्तान में. कोई मसला नहीं, जहां पे पाकिस्तान को आते हैं, सो वेलकम टू पाकिस्तानी शो. It's a package deal. जब आप अपने मुल्क में हर चीज बाकी सारे perks enjoy कर रहे हैं तो ये छोटे मोटे मसाइल तो होते रहते हैं.
So Azad, जैसा कि पहले मैं, you know, I was thinking about what, how can I serve this community better? क्योंकि जब से ये एक platform शुरू हुआ है, इसके ऊपर काफी questions लोग पूछते हैं, काफी चीजों के ऊपर, और ज्यादातर लोगों को असल जो मसला है वो यही है कि they don't know how to be happy in life. How do we create happiness? And you know, मेरी strategy हमेशा से ये रही है, अपने शो पे भी इनवाइट करते रहे, चाहे वो अमेरिका में था, यहाँ पे था, कि आई वांट टू टॉक टू पीपल हु हैव मास्टर्ड व्हाटएवर इट इज दैट आई एम ट्राइंग टू लर्न. सो आई थॉट अबाउट, ओके, हु इन देयर लाइव्स इज मोस्टली हैप्पी और ऑलवेज हैप्पी, हु हैव मास्टर्ड दिस आर्ट ऑफ स्टेइंग हैप्पी. ये नहीं है कि स्ट्रगल नहीं आती जिंदगी में, पर उनकी हैप्पीनेस और कंटेंटमेंट का लेवल वो बड़ा सही रहता है. सो आपका ख्याल आया ऑब्वियसली उसके ऊपर कि हाँ, आजाद इज लाइक दैट. And I've witnessed it. I've seen you in life. जाहिर है हम लोगों ने काफी वक्त गुजारा है और उसमें मैंने आपको चैलेंजेस से गुजरते हुए भी देखा है, और पर वो एक आपकी जेन किस्म की जो सिचुएशन होती है वो जारी रहती है. तो ये बताएं कि how did you, were you always like this? I know that you were not. You have told many stories about how the process took place and कहाँ से आप शुरू हुए थे. जरा वो कहानी सुनाएं कि एक गांव का लड़का, जो गांव के लड़के से, you know, उठ के फिर वो आर्मी में गया, फिर उसके बाद वो रेडियो में गया, अब वो हॉलीवुड की फिल्में भी कर रहा है. आई मीन, बाय द वे, फॉर दोज ऑफ यू दैट डोंट नो, हाला वॉज प्रोड्यूस्ड बाय जेडा पिंकेट स्मिथ, शी इज विल स्मिथ्स वाइफ. सो दैट वॉज नॉट अ स्मॉल थिंग. सो यू गॉट टू मीट ऑल दीज सुपर सेलिब्रिटीज और उनके साथ अब आप काम करें. बल्कि मुझे ये भी मालूम है कि आपने हाला के स्क्रिप्ट में भी कुछ नोक पलक उसकी दुरुस्त की थी, वो चीज भी आप कर रहे हैं. सो How does this even work? देखें, सबसे पहले जो, इससे पहले कि हम हैप्पीनेस की तरफ आए ना, हम लोग एक चीज है जिंदगी में जिसको बड़े नेगेटिव कॉनोटेशन में देखते हैं, वो है स्ट्रगल. और अब कहते हैं इंसान के लिए भी कुछ है जिसकी उसने सही की, सही कोशिश करना है. तो शुरू में जैसे आपने कहा, छोटे से गांव से जब बंदा आता है तो सारे जितने भी मसाइल हो सकते हैं, लेकिन ऑन टॉप ऑफ इट मुझे थोड़े और मसाइल भी थे. मसलन स्टैमरिंग का, स्टटरिंग का मसला था, लुकनत थी मेरी जबान में, बहुत मुश्किल से बात हो पाती थी. उसके बाद एस्मा था, सांस की तकलीफ थी, एलर्जीज वगैरह की वजह से. फिर एस्मा बढ़ता चला गया, 10-15 साल में उससे स्ट्रगल करता रहा. फिर ADHD डिसलेक्सिया टाइप कोई चीज थी जिसमें मैं मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री लेटर और मुझे कभी समझ नहीं आती थी. मैं अभी 6 जबानें बोल लेता हूँ जिसमें मैं अपना शो करता हूँ बोल के लब आजाद होते रहे, लेकिन ग्रामर मुझे अभी तक लैंग्वेज की नहीं आती. सो कुछ ऐसे चैलेंजेस थे जिसको मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये मेरे साथ ही हो रहा था, इर्द गिर्द तो किसी के साथ ये नहीं हो पा रहा था. फिजिकली भी मैं वीक था. ये सारे चैलेंजेस थे जिससे मैं कोशिश करता रहता था. तो होता ही है, जब रब जब इंसान को कुछ मुश्किलें देता है ना जिंदगी में, चैलेंजेस देता है, तो उसकी बाकी जो पावर्स होती, जैसे अंधा बंदा जो है ना, उसकी बाकी जो देख सुनने की हिस्सा है, जो महसूस करने की हिस्सा है, वो ज्यादा ऑगमेंटेड हो जाती है. तो उस तरह मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा स्ट्रगल करने के लिए, अपने आप को सर्वाइवल के लिए मुझे काफी जोर लगाना पड़ता था. तो वो करने के लिए मैंने फिर सबसे अच्छी चीज जो मेरी जिंदगी की 3 बेहतरीन चीजों में, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पहुंचा हूँ, जो भी मैं काम करता हूँ, उसमें से एक वाज द डिसीजन टू जॉइन द आर्मी. बिकॉज 19 साल की उम्र में जब मैं फौज में गया, तो सारी 2 साल की ट्रेनिंग में और उसके बाद के 11 कुल 13 सालों में मेरी सारी जिंदगी बदल दी. वो जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होती है, वो कि कुछ भी हो जाए आप मरते नहीं, वो जो डिसिप्लिन होता है, वो ट्रेनिंग होती है एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अंदर, उससे आपकी ना बहुत सारी मेंटल फैकल्टीज और बहुत सारी ऐसी चीजें, थिंग्स दैट यू नेवर न्यू एग्जिस्टेड इन यू, उसके ऊपर वो आप अपना आदमी उसके ऊपर काम करता है. देन यू हैव टू कमांड एंड देन यू हैव टू वर्क विद सो मेनी पीपल. तो वो जो जब मैंने सब कुछ किया, तो मैं करता गया, तो मुझे पता चलता गया कि मैं अपने बारे में जो भी मेरी वीकनेसेस थी, कॉम्प्लेक्सेस थे, इनसिक्योरिटीज थी, वो सब मेरे दिमाग के शाखसाने थे और जो एनवायरनमेंट था उसकी वजह से ऐसा हो रहा था. तो जब मैं गया, मैंने काम करना शुरू किया, तो मैं हर काम बहुत आराम से कर लेता था और 2-4 चीजों में हमेशा स्ट्रगल करता था मैं, जो कि हमेशा होनी चाहिए. और बाकी चैलेंजेस जो थे मुझे कोई इतने मुश्किल नहीं लगे और बड़े आराम से मैं सर्वाइव भी कर गया. और बाद में सेलिब्रेशन भी शुरू हो गई, हमने भी किया, लोग भी कर रहे. Awesome. So, अभी आपने बात थोड़ी सी की है सेल्फ डेवलपमेंट की आजाद, और आई थिंक ये हमारी जो दोस्ती की बुनियाद पड़ी थी, क्योंकि डेलस में आप भी काफी सालों से थे, मैं भी थी, सुना हुआ था आपका भी, आपने भी मेरा सुना हुआ था.
पर हमारी जो असल जो फ्रेंडशिप हुई जिसमें पता चला कि ओ यू नो यू जस्ट हैव दैट दैट रियलाइजेशन कि ओके दिस पर्सन इज कमिटेड टू सेल्फ ग्रोथ. और वो जो इस फील्ड के लोग होते हैं जिन्होंने इसमें तपस्या की होती है वो एक दो सेंटेंसेस में समझ जाते हैं कि ओहो अच्छा इन्होंने भी काफी खाक छानी हुई है. वो जब हम दोनों को वो बात पता चली थी बिकॉज क्वाइट फ्रेंकली इट्स क्वाइट रेयर इन आर पाकिस्तानी कम्युनिटी क्वाइट रेयर. वो बहुत ढूंढने से बड़े अरसे के बाद वो जो है ना वो क्या है शेर आपको तो बहुत अच्छे शेर याद है नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है और फिर सदियों के बाद चमन में दीदावार पैदा होता है. सो वो वाली बात होती है कि बहुत अरसे के बाद कोई आपको मिलता है जो कि सूडो इंटेलेक्चुअल नहीं है. सूडो इंटेलेक्चुअल्स बहुत होते हैं. वो वाली सेल्फ ग्रोथ जिसमें दांतों पसीना आ जाए बंदे को और वो फिर उसके बाद दे आर सो कमिटेड टू इट कि उनको जिंदगी में और कोई तरीका ही नहीं समझ में आता. वो इश्क हो गया होता है उनको सेल्फ डेवलपमेंट से. वो बहुत मुश्किल से मिलते हैं ऐसे लोग. सो व्हाई डू यू थिंक आजाद व्हाई इज इट दैट सेल्फ ग्रोथ इज सो इम्पोर्टेंट फॉर यू पर्सनली एंड व्हाई डू यू थिंक इट्स इम्पोर्टेंट फॉर अदर्स दैट इट शुड बी इम्पोर्टेंट फॉर अदर्स. मेरे लिए ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि मेरे ख्याल से इंसान का दुनिया में और कोई काम ही नहीं. देखें आप जिस रिलीजन में है ना उसका मतलब है कांस्टेंट रिफॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर. अपने आप को कांस्टेंटली रिफॉर्म करते जाना बेहतरी की तरफ जाते जाना. किताब आप खोल के पढ़ते हैं तो रब उसमें एक इंडिविजुअल क्रिएट कर रहे हैं फर्द क्रिएट कर रहे हैं उसके अंदर और वो फर्द आगे जाके कम्युनिटी बनाएगा. तो वो हर वक्त आप पे काम करता रहता है. देखो ये ना करना देखो वो ना करना तुम देखते नहीं हो सोचते नहीं हो समझते नहीं हो. तो ये सब सारी चीजें सारा काम ही सेल्फ डेवलपमेंट का है. दुनिया ना अच्छी होती है ना बुरी होती है. दुनिया दुनिया है. इसको हमने अच्छा बनाना है या बुरा बनाना है हम इसको कैसे देखते हैं इसमें हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है. कई लोग कहते हैं हमारी जिंदगी बड़ी अच्छी है कोई कहते हैं जिंदगी बड़ी बुरी है. जिंदगी ना अच्छी होती है ना बुरी होती है. आपको एक एनवायरमेंट में टूल्स के साथ एक टाइम एंड स्पेस में पैदा किया है. इसमें आप करते क्या आप जो करेंगे आप जो बोएंगे आप वही काटते हैं बहुत सारी अपनी जिंदगी में और स्ट्रगल उसके इर्द गिर्द आप करते रहते हैं. तो काम ही जब कांस्टेंट रिफॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर है अपने रिएक्शंस को बेहतर करना है अपनी अंडरस्टैंडिंग को अपनी इंटेलिजेंस को अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को बेहतर करते जाना है. क्योंकि रब ने इंसान को देखें मैं हमेशा कहता हूँ अपने शोज में भी तमाम मखलूकात जो है ना तमाम मखलूकात सिर्फ करने के लिए पैदा हुए क्योंकि उनमें सिर्फ बेसिक इंटेलिजेंस है फ्लाइट और फ्राइट की और बेसिक इंसान वो वाइड जिसको अशरफुल मखलूकात इस वजह से बनाया गया है कि उसमें इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज हैं. सो उन इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज की वजह से इंसान वाहिद मखलूक है जो सोच कर करने के लिए पैदा हुआ. बिल्कुल बिल्कुल. तो आपने तमाम तो सेल्फ डेवलपमेंट तो हो जाएगी. उसमें आपको अपने स्वॉट एनालिसिस करना पड़ता है कि मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है मेरी वीकनेसेस क्या है मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज क्या है मेरे लिए थ्रेट्स क्या है और उनको बनाकर आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं. अपने आप को जब हम जानते ही नहीं है सेल्फ को नहीं जानते सेल्फ को हम डेवलप नहीं करते तो जो रिश्ते बनाते हैं वो नापायदार होते हैं. जो हम बिजनेसेस करते हैं वो ठीक नहीं होते. जिन मामलात में हम टांग अड़ाते हैं वो हमारे मामलात होते ही नहीं है. तो आपको जब अपनी है, तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता इन चीजों की तरफ जाते हैं. तो सेल्फ डेवलपमेंट के अलावा और है क्या. और इंसान दूसरे के लिए कर क्या सकता है. वो कन्फ्यूशियस कहता था ना द ओनली थिंग दैट अ मैन कैन डू फॉर अनदर इज टू हेल्प हिम फाइंड आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस. तो आगे से मैंने तो कोई एहसान नहीं कर रहा वो इंसान दूसरे के लिए. While doing so, he will get answers to his questions also. Yes, yes, exactly. और you know मुझसे कई दफा लोग पूछते हैं मैम how do you know what your purpose is? Well, I mean हर एक का अपना अपना भी purpose होता है. लेकिन अगर आप इंसान बनी आदम का क्या purpose है बनी आदम को अल्लाह ने क्यों बनाया. मेरे ओपिनियन में अब मैं गलत भी हो सकती हूँ बट मेरे ओपिनियन में जो मुझे बात समझ में आई है कि अल्लाह ने अपनी मार्फत के लिए बंदे को बनाया और उसने ये कई दफा हिंट भी दिया है बताया भी है कि तुम्हें इस चीज के लिए बनाया कि मेरी मार्फत हासिल करो. तो फिर जो आपका वो असल कोर पर्पस है जब आप उसके साथ अलाइन होते हैं तो फिर खुशी भी उसी में रखी हुई है और उसी में सुकून भी और उसी में वो सब कुछ है. और वो हम कर देते हैं साइड पे और हम कहते हैं ये हम शायद बाद में करेंगे या ये उन लोगों का काम है जो स्कॉलर्स हैं या वो जो पढ़ाई लिखाई में हैं. ये हम कर देते हैं बेसिकली आउटसोर्स. ये आउटसोर्स करके तो हम कहते हैं हम ये चीजें कर लेना जो दुनिया जो जिंदगी में एक्चुअली खुशी पैदा करती है और जो जिंदगी में सुकून पैदा करती है जैसे रिश्ते मैरिजेस नौकरियां दुनिया में कोई जगह बनाना जो भी है. और मार्फत का काम
बगैर सेल्फ डेवलपमेंट के, सेल्फ एनालिसिस के, सेल्फ नॉलेज के, जिसको आगही कहते हैं अपनी जात की, या वो जो खुदी, जो मैं कई दफा मैं कहती हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि वो पता करें ना कि अलामा इकबाल जैसा बंदा खुदी 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 कहते कहते फौत हो गए, क्या है वो खुदी जिसके सिर्रे निहां का मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह, वो कौन सी खुदी है, वो किस खुदी की बात करें। मेरे जब कोर्स में आजाद लोग आते हैं माशाल्लाह दे ट्रांसफॉर्म सो वेल, बहुत चेंजेस आते हैं उनमें, बट मैं पहला क्वेश्चन ये पूछती हूँ, हु आर यू, हु आर यू, और वो नाम बता देते, नो आई डोंट वॉन्ट टू नो योर नेम, आई वॉन्ट टू नो हु आर यू, हु आर यू। थोड़ी देर बाद दे हैव नो आंसर बिकॉज दे हैव नॉट, दे हैव नेवर डन दैट एनालिसिस, दे डोंट नो, यू नो। सो ये अगर आपने खुद को नहीं जाना तो रब को कैसे पहचान सकते हैं, और उसी में खुशी है और उसी में अल्टीमेटली आपको आंसर्स मिलते हैं। तो अच्छा जो है ना, तो, बहुत सारे एंगल्स बन जाते हैं, और आप अपना सवाल जो है आपके पॉइंट पे साथ देती थी। मार्फत, अच्छा मैं भूल जाती हूँ, मजे की बात की आजाद, पर्पस ऑफ लाइफ की बात होती है। आप दो लेवल्स हैं पर्पस ऑफ लाइफ के, हर आदमी होते हैं ना, जैसे तो एक तो बहुत सारे लोग आते हैं, उन्होंने पैसे भी बना लिए, शादियां भी कर ली, मिलियनेयर्स भी हो गए, घर भी बना लिए, गाड़ियां भी बना ली, फिर मेरे पास 40 50 60 साल के लोग आते हैं, कहते हैं हमें तो पता नहीं हमारी लाइफ का पर्पस क्या था या मकसद है क्या। तो पर्पस ऑफ लाइफ इज टू हैव अ लाइफ ऑफ पर्पस, कोई एक चीज जो आपको ठीक लग रही है, जो इज टू हैव अ लाइफ ऑफ पर्पस, दैट इज वर्थ रिपीटिंग, आई होप एवरीबॉडी गॉट दैट। पर्पस ऑफ लाइफ इज टू हैव अ लाइफ ऑफ पर्पस, कि भाई आप किस मकसद के लिए जी रहे हैं, आपका एम क्या है लाइफ का, और उस एम के लिए आपने छोटे छोटे रास्ते में ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं या नहीं बनाए, ताकि आप ऑब्जेक्टिव हिट करते जाएं और आपको मोटिवेशन भी मिलती जाए, आपको जो है वो सेटिस्फैक्शन भी मिलती जाए, और आपको साथ साथ आप एक डगर पे भी रहें, डायरेक्शन भी आपकी रहे। दूसरा जो पर्पस है वो रब खुद जब बताता है ना, तो फिर इंसान जब रब ने बात कर दी ना, तो फिर अपनी बातें नहीं बनाऊंगा, मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि तुम पे जाहिर हो जाऊं तो खोजो। तो इंसान का जो असल मकसद, वो कहता है मेरा बंदा मेरी कुंजी है, वो मुझे खोजेगा, वो मेरे राज खोलेगा। सो वही बंदा कर रही है, जितनी चीजें आपको दुनिया में मिलती हैं, क्रिएटर तो इन सब चीजों का रब है, इंसान तो उसका डिस्कवर करने वाला है, इन्वेंटर तो नहीं है, डिस्कवर करने वाला है। ये कानून तो पहले से सारे बने हुए यूनिवर्स के, सो उसको अलाइन करके हम लोग जितने अपने फायदे उठाते हैं, हम सारे वो कर रहे हैं। तो इंसान जब अपने आप को पहचानता है, देखें इंसान को ना लेवल रब कहते हैं, इंसान के जो लेवल को जब पहुंचता है ना, तो वो कहाँ पहुंचता है, लेकिन सिदरतुल मुंतहा तक इंसान के लेवल पे जब जाता है। और जब उस लेवल से हम लोग जो आम आदमी जो हरकतें अपनी करते हैं, एक इंसान अगर अपने को इकबाल कहते हैं ना, आपका इकबाल बुलंद हो, तो इकबाल का मतलब दर्जा, आपका लेवल जो है वो बुलंद हो, तो उसमें वो कहते हैं इकबाल भी इकबाल से आगाह नहीं है, कुछ इस नहीं वल्लाह नहीं। तो जब हमने अपने कमाल को और अपने लेवल को, मौलाना रोम कहते थे ना कि भाई इंसान उड़ने के लिए पैदा हुआ है, कमाल करने के लिए पैदा हुआ है, तो रिंग क्यों रहा है। तो जब हम अपने काम को और अपने कमाल रब ने जो हमारे अंदर रखा है, जिसके बारे में उसने कहा था मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते, तो जब हम अपने लेवल पे नहीं जानते और हम बहुत नीच सोचें करके, और बाकी जो दुनियावी के, देखिए इंसान बेसिकली है क्या, स्पिरिचुअल बीइंग इन अ फिजिकल फॉर्म। आप खुद ही की जो आप अलामा इकबाल बात करते हैं ना, जिस इंसान ने अलामा इकबाल के ऊपर सबसे ज्यादा रिसर्च की और इतनी किताबें लिखी हैं, जब मेरी उनसे मुलाकात हुई पिछले दिनों, तो हम घंटों पूरी रात गुजर तक 5-6 बज गए, हम सुबह निकले वहां से बात कर रहे थे अलामा इकबाल के ऊपर, उन्होंने सारी बातें अलामा इकबाल की एक एक लाइफ, अगर उन्होंने कहीं साइन किया है तो उनके पास है, उन्होंने कोई चेक लिखा है तो उनके पास है, उनकी रिसर्च का ये आलम है, और यूनिवर्सिटीज में वो लेक्चर देते हैं, किताबें लिखते हैं, तो असल में खुद ही पूरी बात कर रहे। तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन भी दे दूंगा, मेरे पास उनका कॉन्टैक्ट वगैरह भी है। तो आखिर में जब हमने खुद ही के बारे में निकला ना, तो खुद ही एक्चुअल सिंपल से चीज है, वो है इंसान का वो रूह क्या है, अमरे रब्बी है ना, जब सूर फूक, जब इंसान फूंक है, स्पिरिट जिसे कहते हैं, ब्रेथ है रब की, तो उसका जो डिवाइन की, जिसने ये सारी यूनिवर्स बना दी है, उसका वो डिवाइन स्पार्क है जो आपके अंदर, वो कितने मिरेकल कर जाता है कि अंधा बंदा एवरेस्ट चढ़ जाता है। लॉ ये नेचर के, वो याद है आपको बंदा जो आप कह रहे थे, एक वो मंक हैं जो लोगों को भी साथ लेके जाते हैं और वो बर्फों में जाके तो डिफाई कर देता है सारा, ये जो कानून है सारे का सारा, सर्दी का बॉडी लगती नहीं है, वो अपने आप को ट्रेन कर एक, एक, एक शॉर्ट्स पहन के, शर्ट भी नहीं पहनता, शॉर्ट्स और चप्पल पहन के, तो वो बर्फानी पहाड़ों में जाता है। यस,
डिफाइंड स्पार्क है कि उसके अंदर से इंसान कितने कमाल कर सकता है, लेकिन जब वो अपने मुकाम से गिरता है तो जानवर नहीं, जानवर से भी बदतर हो जाता है। आप किस जानवर को जानती हैं जिसने एक बंदे ने 60 लाख बंदा मार दिया हो हॉलोकॉस्ट में? ये इंसान ही इस किस्म की हरकतें करते हैं, और इंसान ही जब बदतर हो जाता है। तो ये हमने फिगर आउट करना है बेसिकली। तो आगे बात, बाकी जो आपकी बात है हैप्पीनेस का, जो हमारा टॉपिक है, उसके ऊपर जब आप बात करेंगे तो उसके बारे में ना रब देखें कहता है, जिक्र करता है ना कि सुकून का जिक्र आपको किताब में मिल जाएगा, हैप्पीनेस का जिक्र आपको नहीं मिलेगा। इसका मतलब है अपनी खुशी आपने अपने आप को जानकर, अपने टाइम एंड स्पेस में इर्द गिर्द के को देख के, अपने आप को, अपने ड्रीम्स को, अपने पैशन को, अपनी नीड्स को, अपनी खुश अपनी जो ख्वाहिशात है उसको सामने रख के अपने लिए खुद डिफाइन करनी होगी। खुशी कोई वन साइज फिट्स ऑल चीज थोड़ी है। तो पता हुआ क्या है, मैंने अपने में आज तक 2 लोग खुश देखे पूरी जिंदगी। आप बताएं आपने कितने देखे? 3। ओके, उनमें से मैं हूं, सच बताइए। हाँ जी है। अब मैंने सिर्फ 2 देखे, क्यों? क्योंकि मैं जब बड़ा हो रहा था तो मैंने देखा कि हर बंदा समझ रहा है कि शायद पैसे में खुशी है, वो पैसा कमाने लग जाता है। लोग समझते थे बड़ी गाड़ियों में, बड़े घरों में, नाम मुकाम में कोई है। तो मैंने तो वो सारे लोग देखे, बड़े बड़े फिलोसफर भी देखे, स्कॉलर्स भी देखे, बड़े मिलियनर्स भी देखे, बिलियनर, मैं मिलियनर क्लब में भी रहा, बिलियनर्स भी मैं देखे, वो सारे पागल हुए चले जा रहे हैं तो वो खुश नहीं है। तो उसका क्या मतलब था कि ये जो लोगों के पीछे जाने से खुशी नहीं मिलती हर आदमी, हो सकता है किसी चीज में आपकी खुशी हो, उसमें जरूरी नहीं मेरी खुशी, मेरी बिल्कुल, हो सकता है आपकी या किसी और की खुशी ना हो। तो आपने जब अपने आप को जानते हैं, जब आप अपनी स्ट्रेंथ्स को जानते हैं, अपनी वीकनेसेस को जानते हैं, अपनी औकात को जानते हैं, अपनी लिमिट्स को पहचानते हैं, व्हाट टू होल्ड ऑन टू एंड व्हाट टू लेट गो को पहचानते हैं, बैलेंस को जब समझते हैं, पैशन परसू करते हैं, ख्वाब देखते हैं, उसके लिए आप प्लान बनाते हैं, उसके लिए आप रोज जीते हैं, तो ये चीजें आपको खुशी देती हैं। इसलिए आपने मुझे पिछले जब से 8-10 साल से आप जानती हैं, मुझे सच बता दें, अभी यू नो अभी तो आमने सामने बैठे, कितनी दफा आपने मुझे दुखी, परेशान हाल, गिले करता हुआ, शिकवे करता हुआ या बहाने करता हुआ? बहाना जो है ना वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, आपको पता है। तो मोस्ट इसमें ये भी कहूंगी कि ये नहीं है कि आपको चैलेंजेस नहीं आए, हर तरह के चैलेंजेस भी आपने फेस किए, बिट्रेयल ऑफ फ्रेंड्स भी फेस किया, ये इस तरह की चीजें जो जिंदगी में सबके साथ होती हैं। लेकिन फ्रेंड्स को छोड़ते हुए भी उनकी अच्छी बात की कि हाँ ठीक है, जो भी उनकी ठीक है, ये जो हो गया सो हो गया, और फिर वो एक इट्स डन। ये नहीं कि आप अगले महीने भी आके वही बात मुझसे कर रहे हैं कि मुझे अभी भी बहुत तकलीफ है, ये चीज हो गई, नो इट्स ओवर, इट्स डन। मैं अपने शोज में अक्सर कहता हूँ, इंसान का नाम अगर इंसान ना होता ना, इंसान 2 चीजों से मिलके बना है, एक उंस और दूसरा नस्यान। उंस मोहब्बत और नस्यान निजिया, भूल जाता है। तो 2 चीजों से मिलके बना है। लेकिन अगर इंसान का नाम इंसान ना होता तो मैंने अपने 40 साल में जो मैं देख रहा हूं ना, इंसान का नाम बहाना होता। इतने बहाने हैं लोगों के पास, सुबह शाम आते हैं, सुबह 10 से लेकर रात 10 बजे तक जब मैं अपना फोन साइलेंट करता हूं, हर बंदा आता है, अपने मसाइल बयान करता है, हर एज ब्रैकेट का बंदा आता है, जेंडरलेस बात है ये, बच्चे, बड़े बच्चों, लोगों के बच्चे, वो घूम फिर के आखिर में उनके पास इतने बहाने होते हैं कि उन्होंने ना खुश नहीं रहना। और अक्सर मैं जब लोगों से पूछता हूँ ना, रोते रहते हैं, दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो मैं कहता हूँ चले अगर मेरे पास मैजिक वॉन्ड हो तो मैं आपसे आपकी एक ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ, तो वो क्या ख्वाहिश होगी? पता क्या कहते हैं? क्या? अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है हमारे पास, तो रो क्यों रहे हो? So, मैं उसके लिए मैंने बूथी सिंड्रोम नाम बनाया, ये बूथी किस लिए बनाई है, तकलीफ क्यों है, मेरे पास किस लिए आ गए जब सब कुछ है आपके पास? तो हम लोग मेंटली इतने कंडीशन्ड हैं कि हमें जो चाहिए क्लियर भी नहीं है, और जो दूसरों के पास ग्लास हाफ फुल, पूरी की पूरी कॉम को वो बीमारी लाहक है। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि एक वो रटी रटाई जुमला है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा फजल है, अल्हम्दुलिल्लाह आई फील वेरी कनेक्टेड टू गॉड, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के साथ मेरा बड़ा गहरा ताल्लुक है। आत्मा एक सर्द आह भी भरते हैं, जैसे पता नहीं शुक्र अदा किए या ताना दिया उन्होंने, मतलब एक अजीब सी एक आह बात होती है। सारे गुरु दत्त के चेले हैं, सारे मलकाए और शहनशाह जज्बात हैं, मतलब यार आप अल्लाह, Absence of sadness is happiness. जब आपको कोई खास दुख नहीं होता तो आप खामखा, आपको याद है वो क्योंकि बैलेंस नहीं है ना लाइफ में, क्योंकि हमने लाइफ को डिजाइन तो की नहीं है,
हमने कुछ स्टैंड नहीं लिए हुए, हमें ये नहीं पता हमें क्या चाहिए हमें क्या नहीं चाहिए। कई लोगों को पूछे आपको क्या चाहिए, उनको नहीं पता होता। ओके, क्या नहीं चाहिए ये बता दें, इससे बड़ा फर्क पड़ जाएगा, इससे पता चल जाएगा आपको क्या चाहिए। लेकिन ये भी नहीं पता होता, लेकिन आपको खुशी चाहिए तो खुशी को डिफाइन तो कर दो पहले। दैट्स व्हाई इन बोल के लब आजाद हैं तेरे, व्हाट वी डू इज वी आर रीडिफाइनिंग सक्सेस, वी आर रीडिफाइनिंग हैप्पीनेस, वी आर रीडिफाइनिंग रीजन ऑफ बीइंग कि आपका क्या है। वी आर ट्राइंग टू डिफाइन दैट, डिफाइन तो करो फिर चीजें मिल भी जाएंगी। जिस चीज को आप क्लियरली बता नहीं सकते, डिफाइन नहीं कर सकते, मिलेगी कैसे। मैं तो अपनी वर्कशॉप्स में इवन ये भी करती हूँ आजाद के पहले जब मैं it's like bursting their bubble ke okay you're going to learn how to be happy and then I say okay please write down I will be happy when dash 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 isko fill kare I will be happy when to kuch likhte hain when I find my ideal life partner when my husband stops abusing me when I get the right job when I get this when I get a promotion when I get a new car when jo bhi hai when I said, write down all the things that you think when I'm like this, I will be happy. और उसके बाद मैं उनसे ये कहती हूँ कि अब please note that you will never be happy because ये when के बाद से dash 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 change हो जाएगा, कुछ और आ जाएगा, कुछ मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन ये जो carrot है ये आपके सामने dangle होती रहेगी क्योंकि जब happiness is something that is outside of you, you will keep chasing it. You know, आज और ऊपर से वो चीज चेस करें आप जिसके ऊपर आपका इख्तियार ही नहीं है। अगर एक हस्बैंड अब्यूसिव है तो आप कई जो ख्वातीन मेरे पास आती हैं, ज्यादातर मजे की बात है ख्वातीन के इश्यूज ज्यादातर जो मेरे पास आती हैं वो रिलेशनशिप से रिलेटेड होते हैं, मर्दों के इश्यूज ज्यादातर करियर से रिलेटेड होते हैं बिकॉज रिलेशनशिप इश्यूज क्रिएट करने वाले तो ज्यादातर मर्द ही होते हैं। हालांकि द ट्रूथ इज औरतें भी बहुत करी होती हैं बट दे आर अनअवेयर। वो मेरे पास आती हैं कि हमें कोई गोली दे दें जिससे खाविन ठीक हो जाए, गोली मुझे दे लेकिन खिलाऊंगी मैं उसको। और बात ये है as you and I have discussed so many times Azad, anything outside of us we can't control, ना लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं ना circumstances को। असल में ना हमें क्योंकि हमें ना बीमार किस्म की जज्बातियत है हम लोग बीमार किस्म की जज्बातियत हद से ज्यादा जब आप कोई भी चीज करते हैं ना तो फिर आप जाहिर बात है खुदा इसीलिए कहता है कि हद से बाहर निकलने वाले ना बनना क्योंकि वहां से फिर कानून लागू हो जाता है। हमें किसी ने बता दिया है कि हैप्पीनेस इज एन इमोशनल रिस्पांस टू एन आउटकम। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस इमोशनल रिस्पांस टू एन आउटकम। तो अच्छा आउटकम पे पहले बात करते हैं। आउटकम क्या होता है? अगर ये हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगी या मैं खुश हो जाऊंगा, अगर ये नहीं होगा तो मैं दुखी हो जाऊंगा। हमने क्या किया, आउटकम को फेलियर और सक्सेस में डाल दिया। ठीक, और जैसे मैंने पहले कहा था कि इंसान एक स्पिरिचुअल बीइंग है जो फिजिकल फॉर्म में है, जिसको आपने सक्सेस और फेलियर में डाल दिया, वो एक्सपीरियंस ही नहीं कर पा रहा चीज को। वो एक्सपीरियंस के लिए आया है, उस एक्सपीरियंस से उसके अंदर कुछ होगा जिससे वो कोई काम करेगा, कोई एक्शन लेगा जिससे कुछ होगा। ठीक है, एक बार तो हमने जब आउटकम से रिलेट कर दिया चीजों को तो फिर मसाइल पैदा हो गए। दूसरा इमोशनल रिस्पॉन्स, इमोशन हम लोग समझते हैं कि इमोशनल होना वीकनेस है। रब ने इंसान पे बहुत, वरना हम रोबोट होते। इमोशन इंसान के अंदर इंसान को खूबसूरत बनाने के लिए मजबूत। मैंने अपनी जिंदगी में जितने लॉजिकल लोग देखे ना, मेथोडिकल लोग देखे, मेटिकुलस लोग, वो उन सिचुएशन में से बाहर नहीं निकल सके क्योंकि एक सियाना आदमी जब डिप्रेशन में जाता है तो वो अपने आप को इतने सियाने रीजन एंड लॉजिक दे के वहां रखता है कि वो निकल ही नहीं पाता। लेकिन मैंने इमोशनल लोग जो है उन्होंने इमोशनल स्ट्रेंथ और इमोशनल एनर्जी की वजह से वो कमाल कर दिए कि जो कोई भी नहीं कर सकता था। अब जब हमको रिएक्शन ही देना नहीं आता एक पर्टिकुलर सिचुएशन का, जब लाइफ कॉन्स्टेंट ही नहीं है, अनसर्टन है, तो हम एक सर्टन चीज के ऊपर लॉक करके अपनी खुशी कैसे रख सकते हैं? ये तो मतलब नाकिस और अकली वाली बात हुई ना। तो जब हम इन चीजों को करके देखेंगे, देखें जब मैं जब मुझे खुशी क्या होती है, जब मेरी सुबह में उठता हूँ ना मुझे कोई दर्द नहीं होता, कुछ चिरीन चिरीन की आवाजें नहीं आ रही होती गोटे गटों से, तो मैं बड़ा खुश होता हूँ। ठीक है, सब अच्छा गुजरेगा। जब मुझे एजमा था तो मैं सुबह उठ के अपना सांस चेक करता था, अगर वीजिंग साउंड नहीं है तो मैं बड़ा खुश होता था। मैं सुबह उठ के मुझे किसी को रिपोर्ट करनी है आज के नहीं, मैं बड़ा खुश होता हूँ। अपनी मर्जी का मेरा स्केड्यूल है, आके जो भी मैंने चीजें बनाई है, हाँ जी मैं वो काम जो मैं खुश होता हूँ रेडियो आजाद का काम करके, या जो चीजें क्रिएट करता हूँ, नज्म लिखता हूँ, स्क्रिप्ट लिखता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, बात करता हूँ, उनसे मिलता हूँ जो मुझे अच्छे लगते हैं, तो मैंने एक लाइफ क्रिएट कर ली
जिसमें मैं रोज खुश उठता हूँ, ब्लेसिंग काउंट करता हूँ, क्योंकि मैं वो नहीं चाहता जो लोगों के पास है, वो मेरे लिए नहीं है, मैं उसको संभाल ही नहीं सकूंगा। जो मेरे पास है मुझे उसका हिसाब देना होगा, मुझे उसको संभालना है। तो जब मैं ये चीजें करके निकलता हूँ तो मुझे नहीं याद पड़ता पिछले 20 सालों से सबसे बड़ा दुख क्या होता है। जो मेरा पहला सेंटेंस मैंने लिखा था, माँ का की मौत का दुख वो वाहि दुख है जो वक्त के साथ साथ बढ़ता जाता है। ठीक है, तो माँ भी दुनिया से चली गई, बाप भी, फादर भी हमारे अमेजिंग ह्यूमन बींग रोल मॉडल थे, वो भी दुनिया से चले गए। मेरे बेस्ट फ्रेंड्स, चार बेस्ट फ्रेंड जो मेरी जिंदगी के सुतून थे, उनमें से दो इस दुनिया से वक्त तो रब को पता है वो चले गए। उसके बावजूद लाइफ में चैलेंजेस आए, आर्मी से लेकर फिजिकल चैलेंज थे, मेंटल थे, साइकोलॉजिकल थे, हर किस्म के चैलेंजेस होते हैं, फाइनेंशियल भी होते थे, सब अपने वक्त पे आते रहे। लेकिन मैं तो अपने काम में लगा रहा हूं। और थोड़ा थोड़ा आप काम कर सकते हैं, और वो मैं पहले पैसे मांग लूं जिसको मैं संभाल ना सकूं, बिल्कुल पहले रिश्ते और वो चीजें कायम कर लूं जिसको मैं हैंडल ना कर सकूं। अगर मैं अपनी खुशियां उन चीजों में बेस करूंगा जो लोगों के पास हैं, तो उनकी तो हालत, मैंने तो जिंदगी में अगर दो खुश लोग देखे हैं, तो जो मैंने खुशी डिफाइन की उसमें मैंने दो ही देखे, तो इसका मतलब है बाकी सारे दुख हैं, व्हाई वुड आई वांट टू बी लाइक देम। बिल्कुल, तो हर आदमी को अपनी खुशी खुद बनानी है। अपने मेरी जो वीकनेस है, हो सकता है किसी की वीकनेस ना उसकी स्ट्रेंथ हो, मेरे लिए जो थ्रेट है उसके लिए अपॉर्चुनिटी होगी। तो हम मुख्तलिफ लोग हैं, और रब ने एक कमाल वक्त आपकी ऑडियंस में से हम दोनों में से कोई बंदा भी सुन रहा होगा इसको बाद में भी, रेडियो आजाद के पेज पे भी, आपके पेज पे भी, हम में से इस वक्त कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको खुदा ने एक ऐसा गिफ्ट नहीं दिया जो सिर्फ उसके लिए मुख्तस नहीं, और उसमें वो कमाल नहीं कर सकता। वो बाय प्रोडक्ट में पैसा भी कमा सकता है, नाम भी कमा सकता है, सुकून भी ले सकता है, खुशी भी हासिल कर सकता है, वो सब कर सकता है, सिर्फ उसको फिगर आउट करके उसके लिए स्टैंड बाय इट, और उसके लिए थोड़ी तगोदौ करनी पड़ती है, स्टैंड लेने पड़ते हैं, उसके लिए आपको अपना रास्ता बनाना पड़ता है, मुश्किल होता है लेकिन सुकून बहुत होता है। मैं तो ये भी कहूंगी आजाद, जो मैंने देखा है कि इवन ये जो डिफरेंट लाइफ के इवेंट्स होते हैं जिनको हम नाम देते हैं गुड और बैड, ठीक है, ये हम उनके ऊपर लेबल लगाते रहते हैं, ये जो मेरे साथ हुआ था ये बुरा हुआ था, ये एक्चुअली सब कुछ अच्छा हो रहा होता है। अब जब मैं अपनी जिंदगी को पीछे मुड़ के देखती हूँ, मैंने बहुत फख्र से बताती हूँ कि इस साल मेरी एज 50 की हो जाएगी, excited bhi hu aur scared bhi hu, but when I look back, okay, first of all, I'm not the same Iram that I was last year, and she was not the same Iram that, you know, existed the year before that, and every year alhamdulillah I have liked the new Iram better than the last Iram, so I'm very happy about that, alhamdulillah. But now when I look back, if somebody were to see my life ki pehle zindagi ke 21 22 saal to isne badi princess ki tarah guzare aur uske baad you know sahi pitai hui thukai hui aur spiritual bhi aur har tarah se, and so you might say ki wo 27 years or so were full of struggles, but really I would not change a single thing, because वो जो रब जो इवेंट्स भेज रहा होता है आपकी जिंदगी में, जो उस वक्त तकलीफ दे रहे होते हैं, हम बिलबिला रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, इधर टकरे मारे हैं, उधर कुछ करें, ऑल ऑफ दोज आर जेंटली डिजाइंड टू पुश यू मोर एंड मोर एंड मोर टुवर्ड्स दैट पर्पस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। और नाउ दैट आई लुक बैक, कि अगर शुक्र है सही वक्त पे मैं सेल्फ डिवेलपमेंट के काम में लग गई थी, क्योंकि सेल्फ डिवेलपमेंट से जो उस टाइम पे बिल्कुल शुरू में जो बात समझ में आई कि घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, मेरी कौम के लोगों, पाकिस्तानियों, घबराना नहीं है, वो बहुत जरूरी बात है, घबरा के भाग गए तो लेसन छूट जाएगा। असल में ना, यू नो, जो बात समझ नहीं आ रही हम लोगों को वो है, जिंदगी में चैलेंजेस होना और मसाइल होना, ये दोनों टोटली डिफरेंट चीजें हैं। रब हमको सारे टूल्स देकर एक टाइम एंड स्पेस में पैदा करता है, उसमें हमारे पास सब कुछ है, उसमें नेविगेट करने का, उसमें अपना काम करने का, तो रास्ते में चैलेंजेस रखे जाते हैं। हम जिम क्यों जाते हैं, हम एंड्योरेंस स्पोर्ट्स में करते हैं, आप वेट के खिलाफ अपना मसल इस्तेमाल करते हैं तो मसल बनता है। जो चैलेंजेस आते हैं इंसान के अंदर की जो खूबसूरती है, उसके जो कमालात है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, उनको उजागर करने के लिए। लेकिन जो मसाइल हमने पैदा किए हैं एक दूसरे के लिए, खैर जो है वो रब की तरफ से आती है, शर और मसाइल हम अपने लिए पैदा करते हैं। जब हम एक दूसरे से लड़ते हैं, जब हर एक को फेमस होना है, जब हर एक को पैसा बनाना है, जब हर एक को अपनी खुशी अपने तरीके से चाहिए, तो वो आपस में लड़ाई की वजह से मसाइल हम पैदा कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई एम होगा और अपनी टाइप के लोग जब आप अपनी जिंदगी में रखेंगे, बुलाएंगे, उनके साथ आप चलेंगे, अलाइन करेंगे, तो जिंदगी बहुत आसान
हो जाएगी, इसीलिए वो शेर है ना मेरा बड़ा ही फेवरेट है। जिंदगी क्या है अनासिर में जहूर तरतीब, मौत क्या है अनासिर में जहूर तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशान होना। सो व्हाट इज लाइफ, इट इज द हार्मोनाइजिंग इफेक्ट, इट इज द हार्मोनाइजिंग इफेक्ट इन ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट। व्हाट इज डेथ, द सेम एलिमेंट्स के अंदर डिसअरे होना, उनकी डिसअरेंजमेंट होना, वो मौत हो जाती है। सो जब इंसान जो है ना, आपने भी थोड़ी देर पहले कहा ना यू वुडंट वांट टू चेंज अ थिंग, तो जितने लोग जिंदगी में, मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ जब आते हैं, बात करते हैं, काउंसलिंग सेशन होते हैं, लाइफ मैनेजमेंट के सेशन होते हैं, जो बंदा भी ये सोच रहा है ना मेरी पिछली जिंदगी, पिछले साल या बचपन बेहतर था, वो इस वक्त इसलिए ऐसा सोच रहा है कि इस वक्त वो जिंदगी को भरपूर तरीके से जी नहीं रहा और इसमें वो कंफर्टेबल नहीं है, अपने साथ खुश नहीं है। अगर मैं स्टैमिनर ना होता तो आज मैं हाइपर एक्टिव बोले जाता हूँ, बीच में सांस भी नहीं लेता और मैं जो काम करता हूँ ये कभी ना कर सकता। अगर मुझे एस्मा ना होता, अगर मैं फिजिकली वीक ना होता, तो इस उम्र में मेरे जो भी मेरे हेल्थ है माशाल्लाह, और मेरी जो एक्सरसाइज में इसको करता हूँ, मैं लोगों से कहता हूँ मुझे बीमार होके या वीक होने से पता चला कि मसल्स क्यों जरूरी है, एक्सरसाइज क्यों जरूरी है। तो अब्राहम मैस्लो कहता है ना रोटी कपड़ा मकान, तो मैं कहता हूँ रोटी कपड़ा मकान और एक्सरसाइज, ये चार चीजें हैं जो जिंदगी के लिए जरूरी। तो वो चीजें जो ना होती, जब पैसे नहीं थे, ना होते तो पैसे की कदर ना होती, माँ बाप और मौत बड़ी खूबसूरत चीज है, ना होती तो लोग एड़ियां रगड़ रगड़ के दुआएं मांग रहे होते कि इतनी हालत हमारी खराब होगी, या उसकी भी रब की एक ब्लेसिंग है हर चीज। वक्त के ऊपर आना, अभी मैंने उस पिछले दिनों अपने इंस्टाग्राम पेज के ऊपर ना एक तस्वीर लगाई और उसमें मैंने लिखा नो फिल्टर्स जस्ट एजिंग, ठीक। और नीचे मैंने लिखा accepting one more reality of life with a smile. Yeah, exactly. Age gracefully, live healthy, try to eat healthy, do good things. और उसके चेहरे पे भी इफेक्ट आएगा, जिंदगी पे भी इफेक्ट आएगा, आपकी लाइफ पे भी इफेक्ट आएगा आपका। तो जब तक आप इन तमाम चीजों, आपकी जिंदगी सिर्फ आप जी सकते हैं, मैं आपकी जिंदगी नहीं जी सकता। तो जब हम लोग वो शेख साहब ने कहा कि अगर परेशानियां किसी के माथे पे लिखी होती तो कोई आदमी किसी की तरह बनने की कोशिश ना करता। तो यहाँ हम सारे, यहाँ सारे जो है ना आमिर खान, शाहरुख खान, भाई यू ट्राइंग टू लिव वाइकेरियसली, दे आर लिविंग देयर लाइफ, यू विल बी आस्क्ड टू लिव योर लाइफ, ठीक है भाई, यू विल बी आस्क्ड क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर लाइफ। तो आपकी जिंदगी क्या है, आप वाइकेरियसली थोड़ी जी सकते हैं जिसकी अपनी जिंदगी नहीं होती। याद है वो शुरू में कहते थे गेट अ लाइफ, गेट अ लाइफ, बिकॉज मोस्ट ऑफ अस डोंट हैव अ लाइफ ऑफ आवर ओन, द लाइफ दैट्स व्हाई वी डू on how to shows on, you know, how to create a livable life for yourself. अच्छा आजाद, अब थोड़ा सा जरा वापस शुगल मेले की तरफ आते हैं, कुछ और आपकी लाइफ, क्योंकि इट्स सो फैसिनेटिंग, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल क्वेश्चन यू ऑन दिस, क्योंकि अब जब लोग सुन रहे हैं आपको, जान रहे हैं कि ये बंदा तो बहुत गहरी सोच रखने वाला, बहुत बहुत डाटा बंदा है, और हैं आप डाटे बाय द वे, people should know that, पठान खून है, बहुत जोश भी मारता है और इसलिए गुस्से में भी आ जाते हैं, डाटा बंदा है, बट साथ 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 अच्छा, और अभी हमने उस टॉपिक पे बात नहीं की, बट जब आएंगे तो वो भी लोग देखेंगे जो एक पहलू है आपकी शख्सियत का, which is also another reason why we are such good friends, जो इश्क है रब के साथ, और रब 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 हर चीज में रब, और इतने फखर से उसके आगे झुक जाना कि हमारी सबसे मेराज हमारी जो है वो है जब रब के आगे झुके, वो सारी भी करेंगे। तो ये आपकी जात के डिफरेंट पहलू हैं, लेकिन जो पहलू लोगों को ज्यादातर नजर आते हैं, एज अ प्ले राइट, एज अ डायरेक्टर, एज अ पोएट, एज एन ऑथर, एज अ रेडियो शो होस्ट एंड फाउंडर एंड यू नो ऑल ऑफ दोस थिंग्स, ये इतनी आपकी डिफरेंट हैट्स हैं जो आप चेंज करके पहनते रहते हैं और डिफरेंट रोल्स हैं जो आप प्ले करते हैं, यू प्ले देम ऑल रियली वेल, which one are you most comfortable, where are you most at home? Radio, ye jo radio show hai na, ye jitne main kaam karta hu na radio, ki main logon se kehta hu maine apni puri zindagi mein agar koi ek kaam dilo jaan se kiya hai jisme main wahid cheez hai jisme rab janta hai niyat se aur jiske bare mein main wholeheartedly keh sakta hu, agar mujhse pucha jaye ki aapne duniya mein zindagi mein kya kiya to main kahunga maine bol ke lab azad hain tere kiya। मैंने पिछले 14 सालों में तकरीबन 2000 शोज किए, तकरीबन 2000 में अगर मैं 3 आवर्स वाले साल अगर शो छोड़ भी दूं तो
तो ये 4000 आवर्स का कंटेंट है जो कि एडिटेड है, जो कि अवेलेबल है, मैं रहूं ना रहूं इसको लोग देख सकते हैं, इसको लोग जो है इसको इससे इस्तेफादा कर सकते हैं। इसके साथ ये एक आइडिया है, ये कोई लोगों को गाइडेंस या कोई रास्ता दिखाने की मैं कोशिश, मेरे पास मैंने अपने लिए एक जोत जलाई थी, रोशनी की थी अपने लिए अंधेरे में, उस रोशनी में अगर किसी को कुछ दिखता है तो ठीक है, हम वहां पे एक प्लेटफॉर्म है जहां बैठ के चीजों को डिसाइड करते हैं। वो 2 घंटे का काम मैंने इतने दिलो जान से किया कि उसमें मुझे रब ने जहां इज्जत मोहब्बत लोगों के दी, नाम मुकाम दिया, साथ उसने मुझे ये सारी बाकी चीजें भी दे दी। मैं तो एक लाइन नहीं लिख सकता था, मतलब उसके बाद मैंने प्लेस लिखी और फिर जब पहला प्ले मैंने लिखा तो उज्मा गिलानी जो कि यू नो एक आइकॉन की हैसियत रखती हैं, दूसरा जब मैंने प्ले लिखा तो नुमान एजाज के साथ मैंने किया जो कि यू नो उसको हमारी तरफ से क्योंकि मैंने देखा था और मैं रो रही थी ऑडियंस में बैठ के, ट्रेजेडी थी वो ट्रेजेडी। जब मैं शोज करता था तो मुझे पोएम को शोज को एंड करने के लिए और उसके कल्मिनेटिंग पॉइंट के लिए मुझे एक नज्म चाहिए थी जो कि मैं कभी लोगों की पढ़ता था, तो फिर मैंने कहा चलो टॉपिक्स हैं, सोच के बारे में नज्म बड़ी कम लिखने में मिलती है, डर के बारे में नज्में लोग कम लिखते हैं, ह्यूमन इमोशन में सिर्फ एक मोहब्बत को पकड़ के लोग बैठ गए, उसी के चक्कर में वो घूम फिर रहे हैं, उनको नहीं पता कि इसके अलावा भी बड़ी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, लेकिन इसके अलावा बड़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट शायरी वगैरह उससे लिखना शुरू कर दी। फिर जब मैंने एक्टिंग की तो मेरा हमेशा दिल है कि मैं हाईएस्ट लेवल पे चीज को ना सीख कर करना चाहता हूँ, इसीलिए फिर मैं मेथड एक्टिंग के लिए एलए गया, मैं साल मैंने एक्टिंग ट्रेनिंग की, फिर उसके बाद मैं फिर उसके बाद रब ने मेहरबानी की और ये इरम जी 2015 में 1,25,000 एक्टर थे एलए में जो कि जॉबलेस थे, कोई ऊबर चला रहा था, कोई काम कर रहा था, कोई क्या क्या चीजें सब कर रहे थे, और छोटे से 2 मिनट के कैरेक्टर के लिए 50-50 बंदों की लाइनें होती और रब ने 3 साल में मैंने मैं 1.5 साल वहां रहा, फिर मैं वापस आके अपना काम अपने प्ले लिखना शुरू हो गया। तो फिर मुझे जो मेरा मैनेजर था जो कि उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने मुझे सेल्फ टेप के लिए भाला के लिए कहा, तो मैंने वो सेल्फ टेप की तो तकरीबन आई थिंक 800-900 लोगों में से सिलेक्ट हुआ था मैं। और दूसरा उसमें फिर वेस्ट ब्रुक की ओवर ब्रुक की फिल्म, फिर जेडा पिंकेट स्मिथ और विल स्मिथ इसमें प्रोड्यूसर थे, फिर उसके बाद इसमें जो टर्मिनेटर है गैब्रियल लूना नया जो टर्मिनेटर है वो था, एना क्लम्स्की थी, पूर्वी जोशी थी, जेरेडी विश्वनाथ सारे ये इसमें, ऑस्ट्रेलियन इंडियन अमेरिकन पाकिस्तानी ये सब थे और उसमें हम लीड रोल में हम जैसे क्योंकि पाकिस्तानी अमेरिकन का कैरेक्टर था तो उसमें वो रोल मिला। ये सारे का सारा जो कुछ भी है ये सिर्फ बोल के लब आजाद है तेरे और हमारे सुनने वाले इज्जत करने वाले और ये तमाम जो दोस्त और यू नो लोग हैं इनकी मोहब्बत और इनकी दुआओं से ये सारे इस काम को पर लगे हैं। तो एक्चुअली इट ऑल केम फ्रॉम बोल के लब आजाद हैं तेरे, दैट्स व्हाई आई फील मोस्ट कंफर्टेबल डूइंग द रेडियो शो। थैंक यू, दैट्स आई कैन रिलेट टू दैट जो आप कह रहे हैं कि जहां से आप शुरू हुए और जो अभी भी आपको अपनी उसमें बिल्कुल नेचुरल लगता है, व्हिच बाय द वे आई वांट टू आस्क यू अनदर थिंग बिकॉज़ इन सो मेनी वेज यू एंड आई आर क्वाइट सिमिलर, आपकी पर्सनैलिटी भी काफी मेरी यू नो इवन दो आप भी ये सब कुछ कर रहे हैं और छोटी स्क्रीन बड़ी स्क्रीन रेडियो ये वो सब कुछ, आई एम नॉट इन मूवीज एंड आई एम नॉट ऑन द स्क्रीन बट इधर यू नो फेसबुक और ये वीडियोस पे हूँ एंड पीपल सी एंड दे टॉक अबाउट दे थिंक कि आप बहुत यू नो शुगल मेले वाले बहुत, और आप भी जरा इंट्रोवर्टेड हैं, मैं भी इंट्रोवर्टेड हूँ एक्चुअली, वी आर वेरी कंफर्टेबल बींग अमंगस्ट पीपल बट लेफ्ट टू आर ओन डिवाइस वी आर एक्चुअली इंट्रोवर्ट्स। मैं तो घर से ना निकलूँ, मैं इतनी खुश रहती हूँ घर के अंदर। तो Where I see you fully engaged is आपको इतनी ईमेलें आती हैं, सैकड़ों मैंने आपको देखा हुआ है, आप फोन पे भी लोगों की स्टोरीज भी सुन रहे होते हैं, आप उन लोगों को गाइड भी कर रहे होते थे, यू स्पेंड सो मच टाइम विद देम, कोई कोई क्वेश्चन पूछता था कि हमारी जिंदगी का ये मसला है, आप इवन जब मेरी तरफ भी आए होते थे या हम कहीं गए होते थे मैं देखती थी आपको, आप उठ के फोन कॉल लेते थे किसी को, खासतौर पर अगर किसी की इमरजेंसी की सिचुएशन है। So these were all things that you were doing outside of your work. Radio to aap chala rahe the, wo sab kuch different tha. But ye bhi aap kaam kar rahe the. Aur ye jo falah ka kaam hai, ye jisme aapka dil bhi lagta hai, jisme aapki rooh, it starts singing. And this is what you sincere, I mean, I know you personally. To mujhe maloom hai ki aap
सिंसियरली ये चाह रहे होते हैं कि इस बंदे की जिंदगी में मेरी बातों से, अगर आपका एक ये जुमला भी मुझे बहुत पसंद है कि लोगों की जिंदगी में आसानियां पैदा करें, रब आपकी जिंदगी में आसानी पैदा करेगा. आई लव दैट एंड आई यूज इट ऑल्सो कि लोगों की जिंदगी में आसानी पैदा करें. सो यू लिव बाय दैट एंड सो दिस वॉज द बैकग्राउंड आई वॉज गिविंग. क्योंकि मैं उस वक्त आपको देख देख के हैरान होती थी ज्यादातर, बिकॉज मेरा हमारी जो इंडियन पाकिस्तानी कम्युनिटी है जिसको हम देसी कम्युनिटी कहते हैं उधर, उनसे मेरा इतना ज्यादा नहीं था यू नो इंटरेक्शन, बिकॉज मेरा जो ये समिट थी इट वॉज विद नॉर्थ अमेरिकन एंड यूरोपियन पीपल, गोरों से मेरा ज्यादा था. और वो थी भी स्पिरिचुअलिटी की और सेल्फ डेवलपमेंट की और वो सब कुछ, तो वो एक खास माइंड सेट, एक खास तहजीब, एक खास तरीके के लोग थे. तो वो जिस तरह से डील करते हैं, जिस तरह से उनके बात करने का स्टाइल भी, ब्लेसिंग्स एंड पीस एंड ये वो करके और शुक्रिया और वो सब कुछ. और इधर हमारे देसी थे जो कि खैर से बाहर जाके भी काफी चीजों में बहुत वेरी लविंग, वेरी ब्यूटीफुल पीपल, वंडरफुल, दैट्स व्हाई ऑफ कोर्स आई एम इन पाकिस्तान, बट कुछ चीजों में हम जानते हैं. तो फलाह का ये काम, एक तो नंबर वन ये कि ये जो जज्बा है फलाह का, ठीक है कि आप भी दिल से चाहते हैं, मैं अपने बारे में भी ये कह सकती हूँ, दिस इज वेयर आई शाइन, दिस इज वेयर माई स्पिरिट सिंग्स एंड आई लव इट एंड आई कैन डू इट नॉन स्टॉप. पर आपका कभी, मैंने एक तो ये कि इतने सालों में मैंने आपका कोई स्कैंडल, आपकी कोई कॉन्ट्रोवर्सी, इस तरह की कोई चीज मैंने आपकी नहीं देखी थी. मैंने जो यहाँ पे आके वन ऑफ द थिंग्स दैट आई वोंट से दैट इट डिस्टर्ब्ड मी टू मच बिकॉज़ आई हैव लर्न टू हैव अ वेरी थिक स्किन एज यू नो, बट इट वाज सरप्राइजिंग टू मी जब मैं देखती थी कि कई दफा लोग कमेंट करते हैं. अब मेरी वीडियोस, आपने भी जब मैंने आपको बताया था आजाद, पता नहीं है बैठे बैठा मिलियंस में व्यूज चले गए एंड सम पीपल वर कमेंटिंग बड़े आप क्लिक से काफी पैसे जनरेट कर रही होंगी. अच्छा, क्लिक से आपके पैसे बन रहे हैं ना. एक तो ये कि आपको पता है कि मैं उन लोगों में से हूं जो करता पहले है सोचता बाद में है, तो मैंने तो छलांग लगाई थी, वीडियोस बनाई, अभी तो कुछ मोनेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, करना क्या है ये अभी कुछ पता नहीं था, बिकॉज व्हाट आई डू इन अमेरिका इज वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम हाउ इट्स मोनेटाइज्ड इन पाकिस्तान. ये यूट्यूब की क्लिक्स और इसके ऊपर मोनेटाइजेशन इज वेरी वेरी, इट्स अ स्मॉल गेम, इट्स पीनट्स कंपेयर्ड टू हाउ द गेम इज प्लेड इन द वेस्ट. सो आई वाजंट इवन इंटरेस्टेड इन दैट. ये तो मैं शौकिया कर रही थी कि पेंडेमिक में बड़ी बोर हुई हूँ, तो मैं तो 5-6 महीने बाद ऐसे ही देखती हूँ कि अच्छा आप इसको देखते हैं, इसको फिगर आउट करते हैं, जो कि मैं कर ही लूंगी बिकॉज आई एम एन एंटरप्रेन्योर. बट दैट वाज काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग टू मी कि अगर मैं फर्ज करें बना भी रही हूँ तो आपको क्या मसला हो रहा है, आपको फायदा हो रहा है कि नहीं, मिलियंस को फायदा हो रहा है. दूसरा, आपको मैंने और कुछ चीजें बताई थी कि आप अल्लाह का नाम नहीं ले सकती, आप अल्लाह की बात नहीं कर सकती, आप इस्लाम की बात नहीं कर सकती, क्योंकि आगे फिल इन द ब्लैंक, राइट, आई डोंट इवन वांट टू गो देयर, क्या आपके ये वो जो भी है बाल ये कवर करें वो कर, क्यों जी, अल्लाह ने किसी को कहा है कि सिर्फ ठेका उन लोगों के पास है. भाई अगर मैं अल्लाह से प्यार करती हूँ, अगर मैं इमोशनल इंटेलिजेंस की फैन हूँ और मुझे उसके मिसालें इस्लाम में मिलती हैं, तो मैं क्या करूँ, मुझे आप बता दें कोई बेहतर एग्जाम्पल, तो मैं वहां से देने लग जाऊंगी, तो क्या मेरा हक नहीं है. आई मीन ये सारी चीजें, तो मैं आपसे, मैंने पहले भी एक दफा ये कहा था, एंड आई वांट टू आस्क यू कि ये हाउ डू यू डील विद दैट, हाउ डू यू डील विद दैट क्रिटिसिज्म, हाउ डू यू फंक्शन विद दैट. पहली बात तो जो आपने की थी ना, तकरीबन 14 साल हो गए रेडियो आजाद को, बोल के लब आजाद है तेरे को, 14 साल हो गए मीडिया में नहीं बनी, कोई बदतमीजी बदतहजीबी नहीं हुई उसमें, मेरा फौजी होने का भी है, और दूसरा मेरा जो माइंडसेट है ना, मैंने जिस सोच के ऊपर फाउंडर ऑफ, अगर आप रेडियो आजाद कहते हैं, तो किसी विजन के ऊपर मैंने बनाया था. मैंने ये चीजें लोगों के लिए बनाई हैं, रोगों के लिए नहीं बनाई. देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन लोग एंड रोग, ठीक है, पहले and... सही बात है. जो लोग होते हैं ना, जो अच्छे लोग, जो आपको बेनिफिट ऑफ द डाउट देते हैं, जो आपके अंडरस्टैंड करते हैं, जो समझ रहे हैं आप एक काम के लिए एफर्ट कर रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं, और जो रोग होते हैं वो ज्यादातर उनके बारे में बाद में बात करता हूँ. लेकिन जो क्रिटिसिज्म के लिए एक सिंपल सा उसूल है, ओनली ही हैज द राइट टू क्रिटिसाइज हु हैज द हार्ट टू हेल्प, ठीक है, पहली बात. बिल्कुल, जो आदमी भी, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, जो आदमी भी अदब तमीज तहजीब के दायरे के बाहर है, उसका रेडियो आजाद पे कमेंट कभी भी नहीं आता. अगर आता है तो वो कभी उसको फौरन डिलीट किया जाता है. हम कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं करते,
14 सालों में 4 मुख्तलिफ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई 8 मुख्तलिफ जबानों में 36 प्रोग्रामर साथ काम करते हैं। आज तक कोई भी अंडरहैंड मनूवर नहीं हुआ जात पात मजहब और इन तमाम चीजों से बाला होके, जैसे रब ने तमाम चीजों का, मैं इसके बारे में थोड़ी सी बाद में बात करता हूँ जब रब के कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। सो दूसरी बात यह, किसी इंसान को ये हक नहीं, आपको एक चीज नहीं पसंद आती आप वो जगह को छोड़ें, वो चीज आपके लिए नहीं, आपके लिए दूसरी किस्म की एंटरटेनमेंट भी है, उसके आपको पता होना चाहिए आपने कहां जाना है। जरूरी नहीं आपको बदतमीजी या बदतहजीबी से कॉमेंट लिखे। एक और बात मैडम जी आपको बताऊं, ये फौजी होने की वजह से नहीं है, ये ओवरऑल इंसान होने की वजह से। आप जब कुछ सोचते हैं ना, जब कुछ बोलते हैं, जब कुछ लिखते हैं, तो उससे आपका खून, आपका खानदान, आपकी विजन, आप कहां से आए हैं, आप कहां जाएंगे, क्योंकि आपकी सोच ही आपके अल्फाज बनते हैं, आपके अल्फाज ही आपके अमल बनते हैं, और आपका अमल आपकी आगे डेस्टिनी बनाता है। सो जब बदतमीजी और बदतहजीबी से कोई चीज करते हैं, तो वो लोगों को मैं डेली, मेरा तो काम ही नहीं, मेरे पास तो मेरा तो मैनेजर है बीच, वो मेरे तक आने नहीं देता, एक बार ठीक। एक दूसरी बात यह है, फलाह का जो कॉन्सेप्ट है, हम लोगों के ना, लोगों के दिमाग में क्लिक्स का चक्कर अब ये हो गया कि लोग, दुख की बात यह, किसी और मशहूर बंदे का थंब प्रिंट लगा, उसका ना थंब नेल उसका लगा के तो अपनी कुछ और सी वीडियो बनाते हैं, तो उनको शायद कुछ मिल जाता है, $2-5 मिल जाते हैं, जो भी है। कॉन्टेंट हमेशा वो होता है जो आपका अपना होता है, फिलोसफी आपकी अपनी होती है, आप अपनी जिंदगी से वक्त निकाल कर। मैंने पिछले 14 सालों में, जो 12 साल है ना मेरे, जब मैंने पहले मैं किसी के लिए काम करता था, उसके बाद मैंने 12 साल अपना रेडियो किया, 12 साल में ये 4000 घंटे जो मैंने रिकॉर्ड किए, इसमें मैंने एक रुपया नहीं लिया, ठीक है, एक बार, जब ये पैसों की बात लोग करते रहते, क्योंकि ये चीज मुझे रब ने मेरे पे इतनी मेहरबानी की, उसने मुझे बचपन से लेके आज तक, मेरी लाइफ इज अ कॉन्स्टेंट स्ट्रिंग ऑफ मिरेकल्स, तो उसने मुझे हर वो चीज दी जो मैंने चाही। तो मुझे सिर्फ ये लगा कि अगर मैंने बेसिक चीजें करके, एक आम से मेंटल कैलिबर के आदमी ने हर वो चीज जिंदगी में हासिल कर ली जो उसको चाहिए था, अपनी इस एज में 40 में आके उसने सारे अपने ऑलमोस्ट जो मसाइल है, फिजिकल मेंटल फाइनेंशियल, सारी चीजें सॉर्ट आउट कर ली हैं, तो अब मैंने अपनी जिंदगी का क्या करना है, ठीक। तो मैंने कहा चलो एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं जिसमें लोग, सिर्फ प्लेटफॉर्म है, कोई किसी को गाइड नहीं कर रहा, उसमें एक टॉपिक होता है, उस टॉपिक के ऊपर लोग आके अपनी अपनी बात करते हैं, कोई किसी को काटता नहीं है, कोई किसी को नहीं कहता आई एग्री विद यू और आई डिसएग्री विद यू, everybody comes up on the air, everybody is welcome, वो आते हैं अपना पॉइंट देते हैं। और फिर इन्हीं 12 सालों में ये शो वरना 120 मुल्कों में ना जाता, 50 स्टेट्स में ना जाता, और पाकिस्तान में जितने रिलीजियस स्कॉलर्स हैं उनके लिए भी, हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज हैं उनके साथ भी, इंडियन सेलिब्रिटीज हैं, पाकिस्तानी लोग भी हैं उनके साथ भी, तमाम लोगों के साथ इंटरव्यूज भी किए हैं। कभी किसी, इतने इंटरव्यूज में आज तक, हंड्रेड्स ऑफ इंटरव्यूज में, मैंने कभी किसी की जाती जिंदगी, उनकी शादी के बारे में, उनकी मोहब्बत के बारे में, उनके बच्चे, वो खुद अगर कोई बात करना चाहते हैं जिससे हम मकसद लेके, मैं बात काट के आगे निकल जाता हूँ, क्योंकि ये वो उनकी जाती जिंदगी है, प्राइवेट लाइफ कहते हैं। कोई किसी को ये नहीं कह सकता कि आप ऐसा नहीं करते तो आप दारे इस्लाम से बाहर निकल गए हैं। एक सिंपल सी बात और बड़ी मुस्तनद हदीस है, जो इंसान किसी दूसरे इंसान को काफिर कहता है, दो में से एक हो गया, और उसमें से वो जिसने दूसरे को कहा, क्योंकि खुदा की चीज आप नहीं बांट सकते। रब कहता है तुम वो बातें करते क्यों, मेरी बाबत जो बातें हैं नहीं करने की वो क्यों करते हो, तो रब की ये जो हमारा काम नहीं होता क्यों होता, बिल्कुल सही। अच्छा थैंक यू फॉर आंसर। अगर आपको इरम सईद के वीडियो में कोई इशू नजर आता है, आप मत देखें, आप मत कमेंट करें, आप मत लाइक करें, आप आगे निकलें, आपको जो चीज पसंद है आप उसको देखें, जो आपके जहन से मिलती जुलती है उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करें, सिंपल सी बात है। और वैसे भी क्या आपके कहने से फर्क तो पड़ना नहीं अपनी, क्यों, व्हाई आर यू वेस्टिंग योर ब्रेथ, दुख होता है देख के कि फिर मैं तो अब कमेंट्स, सच्ची बात है, देखती नहीं क्योंकि इतने ज्यादा हजारों कमेंट्स होते हैं, बट उनको फिर और लोग अटैक करते हैं और उनकी फिर अच्छी तरह से उनकी तबीयत साफ की जाती है, धुलाई होती है, विच इज सैड। हमारे शोज पे आने वाले, हमारे फेसबुक लाइव पे आने वाले, मैं अपने सारे कमेंट्स देखता हूं, उसमें कोई भी एक दूसरे को जब लड़ रहे होते हैं वहां से वो डिलीट हो जाते हैं, क्योंकि लड़ने की जगह ही नहीं है। मैंने ये प्लेटफॉर्म इसलिए नहीं बनाया, सबके लिए नहीं, समझाने की जगह है, दूसरे की हेल्प करने की, बिल्कुल सही। आने का टाइम, या ये आपके लिए है या ये आपके लिए नहीं है, आपको यह एहसास होता है या नहीं होता, ठीक है, तो ये चीजें समझने की हैं, जिसको समझ है वो उसका प्लेटफॉर्म है, जिसका नहीं है उसको या तो वो किसी और प्लेटफॉर्म पे जाएगा या फिर अपना प्लेटफॉर्म खुद बना ले, सिंपल, नाराजगी की तो बात ही कोई नहीं, बिल्कुल सही, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा गोइंग बैक टू आवर टॉपिक,
हैप्पीनेस विच इज व्हाई पीपल आर लिसनिंग टू अस. सो ये चीज अब इनको अच्छी लगेगी आई नो बिकॉज यू नो आपने भी बहुत से लोगों को इंटरव्यू किया, मेरे भी पता नहीं कितने 4,000 का तो मुझे नहीं पता, बट पिछले 10 साल से इंटरव्यू कर रही हूँ. और अच्छा मजे की बात यह है कि जिन लोगों को मैं इंटरव्यू करती थी बिकॉज दे वर हीलर्स और दे वर स्पिरिचुअल कोचेज और दे वर लाइफ कोचेज, सो prerequisite to aise bande ka yahi hota hai ki they should be happy, they should have mastered what they are trying to teach. To jaisa ki kai dafa main aapko batati thi, hum khoob hanste bhi the dono, ki kai dafa rona pitna wahi chal raha hota hai, kai dafa wahi kahaniyan unki zindagi mein chal rahi hoti hai. Isliye maine kaha ki I know maybe 3 people who actually are happy that I know personally. To निकलती स्टोरी यही है कि अंदर से कहानी गड़बड़ होती है, अंदर से गाड़ी का कोई ना कोई पहिया जो है वो फ्लैट होता है, ये सारे पहिए फ्लैट होते हैं. तो एक तो ये बात है कि लाइक आई सेड कि आपको मैंने देखा है कि चैलेंजेस आए भी, सिचुएशंस आए भी, आप निकल आए उसमें से. पर मैं ये भी जानती हूँ आपकी फ्रेंड होने के नाते से कि बाय नेचर आप यू नो क्रिएटिव बंदा जो होता है ना, उसकी साथ ही एक नेचर फ्लिप साइड ये होती है कि वो क्रिएटिव कई दफा बाय डिजाइन नहीं होता, वो बाय नेसेसिटी होता है. क्योंकि हमारे जैसे लोगों के अंदर एक लेजीनेस भी होती है, हम बोर बड़ी जल्दी हो जाते हैं, मुसीबत ये होती है, राइट? बाय नेचर मुझे पता है कि आपको को बहुत ज्यादा मेहनत शेहनत वाला काम नहीं पसंद, आप उसमें बोर हो जाते हैं. तो अब ये बताएं कि ये तो मैं जानती हूँ कि आपके पास आपने फॉर्मूला बना लिया होगा, तो आज हमारे इस ऑडियंस को ये 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 आप शेयर करें कि 4 लाइनों में, इससे ज्यादा नहीं, कोशिश करें 4 लाइनों के अंदर अंदर क्या कोई आपके पास ऐसा फॉर्मूला है फॉर हैप्पीनेस जो आप यूज करते हैं एंड इट वर्क. पिछले 25 सालों में जो भी काम किया है ना, चाहे वो आर्मी का काम था, चाहे वो राइटिंग था, चाहे वो पोम्स थी, चाहे वो स्क्रिप्ट राइटिंग थी, चाहे वो एक्टिंग थी, अगर मैं इन तमाम चीजों में ये दो फॉर्मूलाज अप्लाई कर पाया हूं तो मैं सक्सेसफुल रहा हूं हमेशा, ठीक है? और जहां पर नहीं कर पाया वहां पे फेलियर हुआ एक बार. तो अब मैं सक्सेस और फेलियर से ऊपर होके, जब अभी कह रहे थे ना आपको, ये तो लोगों ने एक चीज बना लिया कि भाई ये आदमी सक्सेसफुल होगा या ये फेलियर होगा, लेकिन जो एक्सपीरियंसेस मैंने इन चीजों से सीखे हैं वो सिर्फ ये थे कि जब भी मैंने अपने आप को, आप किसी बड़े से बड़े मोटिवेशनल स्पीकर से या गांव के फोक विजडम वाले बंदे के पास, या मेरी माँ या मेरी पुप्पी जो थी ना, बड़ी फोक विजडम के वाले लोग थे, इनके पास जाते हैं द सीक्रेट, और हर बंदा जो आपको सीक्रेट बताता है ना, एंड में सीक्रेट दो ही निकलते, एक दो ही सीक्रेट हैं जिसको मैंने समझा है और मैं अपनी हर चीज में अप्लाई करता हूँ, चाहे वो रेडियो आजाद है, चाहे वो कोई भी काम मैंने किया है, कोई भी क्रिएटिविटी की तरफ मैं गया हूँ, मैंने जब अगर वो सही अप्लाई, और मैं हर वक्त उसको काम करके ना, अपनी पोम्स को भी, अपनी राइटिंग को भी, अपनी एक्टिंग को भी, जो रेडियो को भी, अपनी लाइफ को भी, फैमिली लाइफ को भी, उन्हीं दो असूलों पे बांध के रखता हूँ. जैसे ही वो जाती हैं मैं उसको फिर स्ट्रगल करके वापस ले आता हूँ. मेरा बस और कोई काम नहीं है सवाई इसके कि मैं अलाइन करूंगा. एक है कुदरत का कानून, लॉ ऑफ यूनिवर्स जो है ना, जब तक देखें दरख्त जो है ना, ये मिसाल थोड़ी लंबी हो जाएगी, दरख्त को आपने देखा, वो जोर लगाकर नहीं उग रहा, एफर्टलेस से उगता है. क्योंकि वो कानून है, कुदरत के साथ जुड़ा हुआ है. अब बंदे का रोल क्या है, वो एक सर्टन मौसम के अंदर, एक सर्टन काइंड ऑफ जमीन में, एक सबसे बेहतरीन बीज चुनता है, जमीन की गोडी करता है, उसमें वो बीज लगाता है, फिर उसको उसकी निगहदाश्त. एक वक्त के ऊपर आपको एहसास नहीं होता कि वो कैसे कंफर्टेबली उसने अपनी जड़ पकड़ ली है, वो आहिस्ता आहिस्ता पौधा बन के फूटता है, उसके ऊपर अपना काम करता है, पानी अपना काम करता है, हवा अपना काम करती है, मिट्टी अपना काम करती है, और आप एक निगहदाश का काम करते हैं, और वो एक तनावर दरख्त बन जाता है जो साया भी देता है, फल भी देता है, फूल भी देता है, जो भी आप चाहते हैं. सो वो कुदरत के कानून के साथ जा रहा है, वो जोर लगा कर नहीं कर रहा. तो जब आप जोर लगाते हैं ना चीजों में, तो आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं. मैं अक्सर कहता हूँ मैं एक लेजी आदमी, और लेजी आदमी क्या करता है कि वो एक आसान सा फॉर्मूला बना लेता है जिससे वो मुश्किल काम को आसान कर सके. तो एक तो ये कुदरत के कानून, कुदरत का कानून बड़ा सिंपल है, आपने किसी की जान, माल और इज्जत, इन तीन चीजों के खिलाफ काम नहीं करना, ठीक? जान, माल और इज्जत, ये तीन चीजों
चीजों में आपने हमेशा सोचकर चलना है कि मुझे किसी की जान माल और इज्जत के खिलाफ काम नहीं करना। रब ने जो चीजें मना की हैं ये एब्सोल्यूट डूज और डोंट्स 5-10 ही होते हैं, बाकी सब ग्रे में है, ओपन है, अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स रब की तरह आपके कंट्रोलेबल फैक्टर्स में आ जाती है चीजें, तो उसको आपने देख के चलना है। एक तो ये है, ठीक है। आपने आपकी नीयत जो है ना वो हमेशा कुदरत के कानून में आपकी नीयत हमेशा अच्छी होती है। आप हमेशा ये सोच के चलते हैं पीपल आर जनरली गुड, इट्स जस्ट दैट दे आर नॉट गुड फॉर यू समटाइम्स, ठीक। तो आप अपना होल हार्टेड एफर्ट करते हैं, नीयत आपकी ठीक होती है, आप अपनी जो अपनी मेहनत आपने करनी है आप वो करते हैं, जमाने के हिसाब से चीजों को ट्वीक करते रहते हैं और कुदरत के कानून से अलाइन करते हैं। एक तो पॉइंट। दूसरी जो मैंने चीज देखी है जिसको करने की वजह से मैंने जिंदगी के तीन बड़े चीजों में मुझे कभी अब प्रॉब्लम्स नहीं होती। इंसान जगलर है, वो तीन बॉल्स को जगल करता रहता है, एक हेल्थ है, एक उसकी वेल्थ है, एक उसकी फैमिली है, रिलेशनशिप्स है। ये तीन चीजें इंसानों को ना घूम फिर के आखिर में यही तीन मोटिवेटिंग फैक्टर्स मिलते हैं, या फाइनेंसेस होते हैं आपके, या आपकी हेल्थ होती है, या आपके रिलेशनशिप्स होते हैं इंसानों से। हार्वर्ड की स्टडी के मुताबिक 30 साल तक उन्होंने लोगों को शेडो किया और आखिर में हैप्पीनेस का एक ही चीज उन्होंने निकाली, नॉट रिलेशनशिप, मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स, ठीक है। yes. तो इसके ऊपर काम, अगर आपने हेल्थ पे काम करना या फाइनेंसेस पे या रिलेशनशिप पे, तो मैंने ये देखा कि एक सिंपल फॉर्मूला बना लो जिसको आप परमानेंटली काम करेंगे, और वो है असिस्ट, रब का कानून से भी रिलेटेड है, असिस्टमैटिक कंटिन्यूअस इंक्रीमेंटल एफर्ट। तो एक सिस्टम के तहत आपको एक चीज चाहिए, आपको एक चीज चाहिए तो क्यों चाहिए, ठीक, चाहिए तो आप कैसे हासिल करेंगे, तो प्लान बन गया आपका एक सिस्टम के अंदर, प्लान बन अपनी वीकनेस स्ट्रेंथ के हिसाब से आपने एक प्लान बनाया, तो ये हो गया सिस्टमैटिक। खुदा ने एक सिस्टम बनाया, मैं यूनिवर्स से भी साथ देखें कि उसने एक सिस्टम बना के उसको अपने तरीके पे रखा हो, ठीक। उसके बाद कंटिन्यूअस, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी जो है ना और कंसिस्टेंसी लोगों में खत्म हो जाती है जब आप उसमें थोड़ा 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 काम करते रहेंगे। इंक्रीमेंटल का मतलब है थोड़े थोड़े पैसों में, थोड़ा थोड़ा हेल्प में, आप थोड़ा थोड़ा रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करते जाएंगे, और आखिरी वर्ड है एफर्ट को स्लैश ग्रोथ, या एफर्ट करेंगे तो ग्रोथ आ जाएगी। सो इट्स अ सिस्टमैटिक कंटिन्यूअस, आगे क्या था, इंक्रीमेंटल एफर्ट, या फिर इसको भी आप जब आप ये ट्रांसफॉर्म इनटू अ सिस्टमैटिक कंटिन्यूअस इंक्रीमेंटल ग्रोथ, That's how the seed transforms into a mighty oak tree. I mean, और by the way, आपको मैं उस वक्त इंटरप्ट नहीं करना चाहती थी, आप ये जो बात कर रहे थे, मजे की बात है, आप खुदा के कानून की बात करके एफर्ट के ऊपर जब आए कि ये खुदा का कानून, अच्छा। और अभी आपकी मेरी इस बात के ऊपर, क्योंकि वो अब डेलस के तो जमाने नहीं रहे कि जब हम लंबी लंबी डिस्कशन किया करते थे, यू नो, आई जी आपके रब के कॉन्सेप्ट के बारे में बात होने वाली है। नहीं, वो रब के कॉन्सेप्ट की अभी करनी है, लेकिन ये मुझे अभी बीच में आई थी, आई रेड अब मेरे अब्बू के साथ डिस्कशन हुई थी, एंड आई हैव टॉक्ड अबाउट इट ऑन वन ऑफ माय फेसबुक लाइव्स, कि ये एक आयत का दफलहल मुस्लिमों, अच्छा, इसके ऊपर अब्बू आपको पता है काफी रिसर्च करते रहते हैं कभी किसी की, तो इस दफा उन्होंने डॉक्टर इसरार की रिसर्च में ये बात थी कि ये लफ्ज फलाह ही क्यों यूज हुआ, क्योंकि कुरान में कुछ भी ऐसे इंसिडेंटल नहीं है, कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बहुत बहुत प्रिसाइज और पर्पस के साथ यूज हुआ था, और अरबिक लैंग्वेज बीइंग व्हाट इट इज, इतनी वास्ट लैंग्वेज, तो ये फलाह का वर्ड जो है ना, ये दिस इज एक्चुअली कनेक्टेड टू दैट एक्चुअल प्रोसेस, जो फार्मर की प्रोसेस होती है ना, व्हेन दे टॉइल द लैंड एंड देन दे पुट द सीड इन, that is actually connected, mujhe exact uski wo reference nahi aaya, but it's connected to that farming process. Aur aapne mazay ki baat hai wahi example diya ki ek seed jo hai wo effort karke, wo musibatein karke, wo plans nahi bana raha, wo goals nahi bana raha, wo kuch nahi kar raha ki maine kal ko oak tree banna hai aur mere andar se fruit nikalna hai, wo khud ba khud ho raha hai, wo allah ke qanoon e qudrat pe chal raha hai, aur uski wo sirf sahi muqam pe hai, wo sahi time and space mein, सही जगह पर सही तरीके से लगा हुआ, और उसकी निगहदाश्त हो रही है। इंसान का काम सिर्फ चीजों की जो आप करते हैं उसकी निगहदाश्त करना है और उसमें रब की ब्लेसिंग मांगना है। ये देखें, जो मैंने अभी आपसे बात की है ना, सिस्टमैटिक इंक्रीमेंटल ग्रोथ, तो आप यूनिवर्स देख लें पूरी। अब मैं कह रहा था ना आपको, लॉ ऑफ जो काम भी आपको करना है आपको रब के कानून के साथ चलना है, तो आप देखें खुदा ने एक सिस्टम बना के दिया, पूरे यूनिवर्स का एक सिस्टम है,
वो वैस्ट भी है, वो अपने हर सेकंड में वो फैल भी रहा है, वो अपना सिस्टम उसने बनाया हुआ, एक सिस्टम, उस सिस्टम के थ्रू इंसानों से काम करता है, ऑपरेट करता है, उसके बाद कंटिन्यूअस है, हजारों लाखों करोड़ों सालों से चल रहा है, उसके बाद इंक्रीमेंटल है, थोड़ा 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 है, आप मूवमेंट चांद की पकड़ नहीं पाते क्योंकि वो इतना कंटिन्यूअस हो रहा है और इंक्रीमेंट स्लोली एंड ग्रेजुअली अपना काम कर रहा है, और आगे से ग्रोथ जो है कब से चल रही है और आज तक खत्म नहीं हुई, वो शेप अप होती चली जा रही है, मर्ज यूनिवर्सिस मल्टीवर्स चल रही है, 120 बिलियन गैलेक्सीज आपने डिस्कवर कर रही है, यूनिवर्स अभी भी फैले चली जा रही है, लेकिन वो इतना आराम से और सुकून से ये काम हो रहा है बैलेंस के अंदर। तो आपको भी ये काम अपनी जिंदगी का सुकून से करने वाला है, ये लड़ाई झगड़े करने का जोर लगाने का काम नहीं। आप जितना जोर एक्टिंग में हमें सिखाते हैं, मेथड एक्टिंग में, जब आपने कैरेक्टर कंसीव कर लिया, आप उसको उठ बैठ लिया, उसकी दुख क्या है, उसकी खुशियां क्या है, उसका एम क्या है, वो सिचुएशन में उसका अ बॉडी इन अ सर्कमस्टेंस विद अ रीजन क्या कर रहा है, तो फिर आपको जोर नहीं लगाना एक्टिंग में, वो खुद ब खुद होगी, ऑर्गेनिकली होगी। आई होप इट मेड सम सेंस। It makes sense, and this is going to lead me to my next question, which I think is the most important, at least हमारे लिए, आपके और मेरे लिए तो most important question. And by the way, आप लोगों में से जो लोग अभी तक टिके हुए हैं, you're going to be happy कि आप अभी तक छोड़ के नहीं गए इस talk को, क्योंकि this is, I think, one of the most important questions to be addressed in our time and age of today, because खास तौर पे जो अब मैं जब मेरा इंटरेक्शन बढ़ रहा है यहाँ पे लोगों से, एंड आई एम रियलाइजिंग कि किस कदर टूटा हुआ है हमारा रिश्ता रब के साथ, कितना एक कॉन्वोल्यूटेड और कंफ्यूज्ड किस्म का रिश्ता बना हुआ है, और लोगों को किस कदर तकलीफ है आज़ाद, क्योंकि जाहिर है ये तो होना ही था, जब रूह में और जब बंदे में और रब में डिस्टेंस होगा तो रूह तकलीफ में आएगी, तो खुशी कैसे मिल जाएगी आपको, गाड़ी से, बंगले से, एजुकेशन से, खामिन से, बीवी से, बच्चों से, कैसे मिल जाएगी जब रूह का सुकून अल्लाह के साथ है, जिसने बनाया बंदे को, उसने कह दिया अपनी किताब में कि दिलों का सुकून मेरी याद में है, बस खत्म कहानी होगी। तो याद तो रूह करती है ना, याद तो दिल करता है, ईगो तो नहीं करता, ईगो वॉन्ट्स ऑल दीज थिंग्स जिनको हम सेटिस्फाई करना चाहते हैं, रूह चाहती है कि अल्लाह से कुर्ब हासिल हो। अच्छा, अब ये बात होगी, अब होना तो ये चाहिए था आजाद कि आप जो बात कर रहे थे कि एक एफर्टलेस चीज होती ना, बंदे से रब का कनेक्शन इतना जरूरी है तो ये तो एफर्टलेस होना चाहिए था। जैसे उसने देखें हमारे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, उसने एफर्टलेस कर दी, आम सरेआम कर दी, हर जगह हरे को मिल रही है, पानी भी काफी है। अच्छा, तो ये कनेक्शन जो दिलों के लिए इतना जरूरी था, इसमें तो एफर्ट ही एफर्ट है। अब तो नजर आता है कि जिसको देखें वो रो रहा है कि अल्लाह सुनता नहीं, या अल्लाह शायद नाराज है, या अल्लाह, जिसको सुने एक अजीब कॉन्वोल्यूटेड कंफ्यूज डरावना और तकलीफ होती है सुन के, बिकॉज वो भी तकलीफ में होते हैं, उनको देख के दुख होता है। मैं भी रह चुकी हूँ इस तकलीफ में और बहुत देर गुजारी थी इस तकलीफ में। So I think this is one of the most important questions to address. Ke ek to ye ki what is your concept of Rab? Ye kya hai? Aur dusra ke log itni takleef mein kyun hai? Hum kyun nahi connected feel karte hain Allah se? Hum log, main jab log kehta hu na usme hum sab shamil. Hum log takleef mein isliye, pichli example ko le lijiye. Galat mausam mein, galat zameen mein, galat beej laga kar. Jab hamari ab ye equation ko samjhiyega. Jab hum sochte kuch बोलते कुछ करते कुछ और चाहते कुछ और ही हैं, करते कुछ तो रहेंगे ना, बिल्कुल। तो एक तो ये बिल्कुल जहां तक रब का कॉन्सेप्ट है, देखें हर इंसान को हक है वो रब का जो भी अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बनाता है, लेकिन अगर आपका रब का कॉन्सेप्ट वो करीब तरीन नहीं है उससे जो रब ने खुद बताया है अपनी किताब में, तो आप हमेशा तकलीफ में रहेंगे, एक बात, ठीक है। दूसरी बात, मेरा रब का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल, मैं रब को अब आके आहिस्ता आहिस्ता आपको जैसे जैसे इदराक की सीढ़ियां आप चढ़ते जाते हैं, जिंदगी के एक्सपीरियंसेस देखते हैं, तो आपके सोच में बदलाव आता रहता है, ठीक है। मैं अभी इसको सिर्फ 2-3 मिनट में जो मेरे जहन में इस वक्त जो बात आती है मैं सिर्फ आपसे कहूंगा, बाकी लोग जो है इसके ऊपर पूरा शो किया जा सकता है 2 घंटे का, और हमने 6-6 शोज किए हैं इसके ऊपर, बोल के लाभ आजाद है तेरे भी चेकआउट कर सकते हैं रेडियो आजाद। मेरे ख्याल से रब जो है ना वो सरापा इल्म है, सरापा मगफिरत, वो है जो कहता है कि मेरे बंदे याद रख तेरा रब तुझे मोहब्बत से देख रहा है। रब वो है जो मुझे कहता है तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूं।
रब वो है जो कहता है कि दुनिया के लिए उतना कर जितना तूने इसमें रहना है, जो कहता है कि गुनाह उतना कर जितना तुझमें अजाब सहने की ताकत है। तो मेरे लिए रब जो है ना वो एक एहसास का नाम है। देखें एक शेर है वो कहते हैं उसमें बात यह है कि आदमी शायर या तो होता है या नहीं होता, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह मुझे लगता है कि इंसानों को जो जो मैंने जिंदगी में देखे उनको या ये हमको या ये एहसास होता है या नहीं होता। रब ने कहता है मैंने तुम्हें करके दिखा दिया, दे के दिखा दिया, अब तुम्हारी मर्जी है तुम इस जात का इकरार करो या इनकार करो। मेरे ख्याल से रब जो है वो रियलाइजेशन ऑफ गॉड इन आवर डेली लाइफ, हमारे सुबह उठने से लेकर रात तक जो हम नौकरी करते हैं, जो हम बिजनेसेस करते हैं, जो हम रिश्ते बनाते हैं, जो हम लोगों को सजा देते हैं कभी और कभी हम उनको इनाम देते हैं, कभी हम उनसे प्यार करते हैं, कभी हम उनसे नाराज होते हैं, इस सब में अगर रब शामिल नहीं है ना, रब की खुशनुदी शामिल नहीं। देखें आप दुनिया के मैंने कितने लोगों के इंटरव्यूज लिए, मैंने कितना इल्म, मैं कहता हूं हर वो चीज जिससे मेरा मेरी जात का रिश्ता है मैं उसके बारे में इल्म हासिल करूं, ठीक है जी। इल्म जो मर्जी आप कर लें, आप साइंस में, मैथ्स में, किसी एस्ट्रोनॉमी में, किसी भी इल्म के अंदर से आप रब को निकाल लें, इक्वेशन खाली हो जाए। आप किसी इक्वेशन में से रब नहीं निकाल, आप इंसान की जात में से तखलीक किसने उसको किया खालिक नहीं निकाल सकते, आप अपने इल्म में से रब की बात किए बिना इल्म को मुकम्मल नहीं कर सकते। आप साइंस जो कहते हैं साइंटिस्ट आर द पीपिंग टॉम्स इन द की होल ऑफ यूनिवर्स, वो अभी तक बेचारे वो कोशिश कर रहे हैं, ब्लैक होल्स निकल रहे हैं, सब निकल रहे हैं, दे आर ट्राइंग। साइंस बाय द वे रिलीजन के खिलाफ नहीं है, जो रब ने कहा है उसी को खोज रही है, वो एक्चुअली वलियों वाला काम कर रहे हैं। तो रब का जो कॉन्सेप्ट है ना वो जब तक हमें इन बातों की ये एहसास होगा या नहीं होगा, और हमारे हर काम में जो भी हम करते, तो मेरा रब का कॉन्सेप्ट ये। बाकी रब मुझे 30 साल की उम्र में समझ आई कि हम लोग क्यों दुखी हैं, हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं हो रही, हमारा रब से कनेक्शन क्यों नहीं बन रहा। 30 साल की उम्र में मुझे समझ आई हम, मैं तो एंड्रॉयड के ऑपरेटिंग सिस्टम में उसको ढूंढ रहा हूँ, वो तो आईफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम पे है। तो रब का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जब तक हम उसके तरीके से जो उसने अपने अल्फाज में बताया, हम रब को मानते हैं बट उसकी एक नहीं मानते। हमारा कॉन्सेप्ट जो है ना पता है इतना कॉन्वोल्यूटेड है, हमने ये बना दिया जहन, हम रब को थ्योरी समझते हैं, प्रैक्टिकल नहीं समझ रहे। हम जन्नत में जाने की दुआएं करते हैं, मरने की दुआ कोई मरने को कोई नहीं देता, लेकिन जन्नत में जाना चाहते हैं सारे। लंबी जिंदगी कटने के हम हिले बहाने ढूंढ रहे होते हैं। हुजूर पाक जिनको हमारे रोल मॉडल के तौर पर हम देखते हैं, वो कहते हैं मेरे रब मुझे अपनी मुलाकात का शौक अता कर, ठीक है। तो जब हम ये सब करते नहीं है, और फिर एक और बात, हम कभी इसकी बातों में आ जाते हैं कभी उसकी बातों में। जो आदमी ने अपने रब की किताब पढ़ी नहीं, जो वो कहता है कि हमने इसको समझने के लिए आसान कर दिया, तो कोई जो है जो इसको समझे, जो कोई है जो इसको पढ़े, फिर वो कहता है इसको ठहर ठहर कर पढ़ो, समझ कर पढ़ो, क्योंकि इसको हमने सवाब के चक्रों में डाल दिया, हालांकि ये हिदायत थी, ये जिंदगी गुजारने का सरचश्मा थी, उसको हमने छोड़ दिया। तो जब हम और हम दूसरों को सुन रहे हैं कि वो क्या कह रहे हैं, भाई खुद एक दफा किताब पढ़ ले, खुद पढ़ो, खुद समझो। मैं वही जर्फ के मुताबिक इसमें से ले लोगे। और इरम जी जर्फ जो है ना उसको बहुत सारे लोगों ने डिफाइन किया, लेकिन मैंने इसको अपने लिए डिफाइन किया, जर्फ है एंड द एबिलिटी टू राइज अबव योरसेल्फ, टू बी बेटर देन योरसेल्फ, बी ग्रेटर देन योरसेल्फ। जब तक हम जर्फ नहीं आएगा तब तक रब को समझना और ये दूसरों पे फतवे लगाना आप बंद हो जाएंगे सारे। तो कहता कौन कैसा है सिर्फ मैं जानता हूं, तो फतवे बंद हो जाएंगे, बदतमीजियां, बदतहजीबियां, रब के नाम के ऊपर हम जो बातें करते हैं और अजीब अजीब हरकतें करते हैं ये सब खत्म हो जाएंगे। क्योंकि हमें जब एहसास हो जाएगा ना कि उसकी जगह क्या है और हम उसके बारे में क्या सोचते हैं और कहां जाते हैं, तो ये मसले खत्म हो जाएंगे। रब किसी इंसान की जिंदगी इस यूनिवर्स में से लेकर इंसान की जो स्मॉलेस्ट तरीन जर्रा है इंसान, उसमें से आप कभी रब इक्वेशन में से नहीं निकाल सकते। जब आप निकालेंगे, आप तकदीर में से रब निकालें, आप तदबीर डाल दें, आप जो मर्जी कर दें, जब तक आप वो जो मिसिंग लिंक है ना वो रब की जात से आएगा। और मैंने आज तक जितना समझा है, जो कुछ भी मैंने किया है, उसमें आखिर में रब का इन चीजों के ऊपर इख्तियार है। हमारा काम है कोशिश करना, होल हार्टेड कोशिश करना, रब की ब्लेसिंग उसमें से चाहना। उसकी मर्जी होगी तो होगी, उसकी रजा में अगर हम राजी होना नहीं सीखेंगे तो तकलीफ में रहेंगे हमेशा। वो जो थी ना हदीसे कुदसी, आपको बड़ी पसंद थी एक जमाने में, आपने कहा था मुझे सुनाइएगा, याद है वो सुनाइए। जब मैंने समझा और डी कोड किया ना,
तो तब मेरी जिंदगी में 10 साल पहले कोई तकलीफें परेशानियां नहीं रही। मैंने कहा ऐ इब्ने आदम, हदीस कुदसी, बाय द वे वो हदीस होती है जो हुजूर पाक ने हमें बताई और रब ने कही, तो उसमें वो कहते हैं ऐ इब्ने आदम, एक तेरी चाहत है एक मेरी चाहत, अगर तूने किया वो जो मेरी चाहत है तो मैं तुझे बख्श दूंगा वो जो तेरी चाहत है, और अगर तूने नाफरमानी की उसकी जो मेरी चाहत तो मैं तुझे थका दूंगा उसके पीछे जो तेरी चाहत, बस होगा वही जो मेरी चाहत। तो ये जितने लोग दुखी हैं परेशान हैं ये थक गए हैं उसके पीछे जो इनकी ख्वाहिश है। आपको पैसा नाम मुकाम इज्जत सब मिलेगा क्योंकि वो बाय प्रोडक्ट है, असल चीज वो पैशन है। और रब आपसे कुछ खास बाय द वे चीज नहीं चाहता, बाय द वे हम लोग समझ नहीं पा रहे वो चाहता है। पता है एक लाइन में बताऊं, रब हमसे अपनी जिम्मेदारी खुद लें, अपनी फाइनेंशियल, अपनी इमोशनल, अपनी स्पिरिचुअल, अपनी जो रिश्तों में अपनी जिम्मेदारी आप खुद लें। मैंने आपको रब के हर चीज दिया उसने, तो चाहता है आप अपनी जिम्मेदारी लें, बस इतना ही सी बात है। और उसके साथ जब आप अलाइन करेंगे तो फोर्सेज ऑफ गुड आपको हेल्प कर रही होती हैं। अगर आप, हम लोग कर क्या रहे, हम जा रहे हैं राजी रहे रहमान भी और खुश रहे शैतान भी। बेशक बेशक। और ये जिम्मेदारी वाली बात आपने इम्पोर्टेंट कही है आजाद, जिम्मेदारी एक्चुअली विच इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड राइट्स, बिकॉज पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, पहले आपके ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, उसकी उसकी वजह से आपके अंदर कुछ चीजें मैनिफेस्ट होंगी जो कि देन दे विल ट्रांसलेट इनटू राइट्स। कुदरत में देख लें, अभी हमने वो बीज वाली बात की थी, बीज पहले बोया जाता है, उसका फिर वो शल फटती है, फिर वो कितनी प्रोसेस से गुजरता है, फिर वो एक दरख्त बनता है जो साया देता है या फल देता है। हर चीज नेचर में जब आप देखेंगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगी कि चीज पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो चीज कही गई है जिसको जिस तरीके से आपने करना है उसको पहले करें और उसके बाद एक्सपेक्ट करें उसका रिवॉर्ड। उल्टा सिस्टम अब चल रहा है, पहले हम रिवॉर्ड मांगते हैं, पहले हम अपने राइट्स बयान करते हैं, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ हो तो देखा जाएगा, नहीं तो ना सही। ज्यादातर लोग नहीं करते और वो अनहैप्पीनेस क्रिएट करती है। हमें एक और बीमारी है, हर बंदा स्पेशल होना चाहता है। भाई स्पेशल तो वही होगा जिसने कॉन्ट्रीब्यूट ज्यादा किया है। रब के कानून की तरफ बैलेंस अटेन करने के लिए आपने कॉन्ट्रीब्यूट क्या किया है, उसके अलावा हम वी आर ऑल, हम सब अपना बेसिक जो ह्यूमन होने का जो हमने काम करना है हमको वो करना है। और ये जो खुशी है ना, जो खुशी हम सबको चाहिए, वो एक इंशा का एक शेर था जो उनकी, वो है ना, इंशा जी उठो अब कूच करो इस दिल जी को लगाना क्या, तो उसका एक शेर है जो कि वो उस जो गजल है ना उसमें मिसिंग है, उसमें है कि उस हुस्न के सुच्चे मोती को, अच्छा उस हुस्न के सुच्चे मोती को देख सकें पर छू ना सके। अभी खुशी, खुशी को सोचें आप जरा, ये सब खुशी चाहते हैं लेकिन उस हुस्न के सुच्चे मोती को देख सकें पर छू ना सकें, जिसे देख सकें पर छू ना सकें, वो मोती क्या वो खजाना क्या। आए हाय हाय क्या बात है, जबरदस्त। हम रब के एहसास, रब को फील किए बिना ही मर जाएंगे, हम मोहब्बत को फील किए बिना मर जाएंगे, हम खुशी को फील किए बिना इंसान मर जाएगा। व्हाट अ वेस्ट, सोचे सिर्फ आप। ये दूसरों के पीछे, और उस वक्त पूछा जाएगा कि तुमने ये क्यों किया, तो वो कर रहा था, वो कर रहा था, उनसे ये तो नहीं पूछा, तुम्हें दिया हुआ था, तुमने क्या किया। इंसान से उसके बारे में पूछा जाएगा, लोगों के बारे में, अवाम के कमेंट्स के बारे में, लोग क्या कहते थे के बारे में नहीं पूछा जाएगा। आपके पास जो मिला हुआ था आपने उसका क्या किया, ये सवाल। तो जहां तक दिल की बात है ना रम जी, और दिल में हमारे कोई, अब आप एक मजे का सवाल आता है कि जब सब कुछ ये जो मैं बता रहा हूँ आप गप लगा रहे हैं, सारी दुनिया ये सारी बातें बहुत लोग जानते होंगे, फिर हम चेंज क्यों नहीं होते, ये सवाल। चेंज होते, हाँ, चेंज क्यों नहीं होते, फिर हम जानते हैं कि ये इसी से होंगे, फिर क्यों नहीं होते, ये अब सवाल है। आपको ये सवाल बनता है कि नहीं बनता, पहले आप ये सोचे। बनता है, बिल्कुल बनता है। ये बात है कि हर बंदा खुशी चाहता है लेकिन उसके लिए कुछ करना नहीं चाहता, तगोदो नहीं करना चाहता, दस्ती कर रहा है कि मुझे खुश होना मेरा राइट है। राइट कुछ भी नहीं, राइट वो है जो आपने कमाया है, ठीक है। अब हम चेंज क्यों नहीं होते, इसके दो तीन वजह। एक वजह ये है, इंसान होने के नाते न्यूरोसाइंस से बता रहा हूं, एक सर्टन टाइम पीरियड के हिसाब से जब आप कोई काम करते हैं तो आपके न्यूरो पैथवेज में एक पर्टिकुलर स्टिमुलेशन होती है जो कि सेट हो जाती है, जिससे बाहर, इसीलिए बुरी आदतों से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए कहते हैं ना बैड हैबिट्स ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड।
तो एक तो हम उस चक्कर में ना उस विशेष साइकिल में फंस जाते हैं जिससे हम निकल नहीं पाते। दूसरा इससे निकलने का, न्यूरोप्लास्टिसिटी क्योंकि हम अपना एनवायरनमेंट नहीं बदलते, इसीलिए कहा गया इल्म हासिल करो ताकि अगर तुम्हें चीन ही ना जाना पड़े, यानी सफर में इल्म है, हम ट्रेवल नहीं करते। फिर उन्हीं लोगों से हम बार बार मिलते रहते हैं उसी विशेष साइकिल में, क्योंकि ना लोग बदले, ना एनवायरनमेंट बदली, ना सोच बदली, तो वही 60,000 थॉट्स जो रोज आनी सोच है, बदकिस्मती से अगले दिन भी आपने वही सोची है, तो उससे तो चेंज नहीं आनी, चेंज तो डिफरेंट सोच से आएगी। ठीक है, फिर एक और बात है, इसमें पड़ती है थोड़ी मेहनत ज्यादा। आपने देखा 11 महीने हम लोग खाते पीते रहते हैं, फिर रमजान आता है, तो रमजान के कितने दिन होते हैं? 29 या 30 दिन होते हैं। किसी आमिल के पास आप जाते हैं, पुराने जमाने में वो चिल्ला कटवाता था, चिल्ले में कितने दिन होते हैं? 40 दिन होते हैं। किसी डॉक्टर के पास आप जाते हैं, ज्यादातर आपको 2-3 हफ्ते की दवाई देता है, ठीक है, 21 दिन होते हैं। तो ये 21 दिन से लेके 40 दिन के अंदर अगर आप अपनी अब तोड़ना चाहते हैं साइकिल को, तो इसमें आपने बुरी आदत को छोड़ने के लिए उस बुरे सिस्टम से निकलकर एक नए सिस्टम में, अच्छे सिस्टम में जाकर उसको डिजाइन करना होगा। उसके लिए आपको मोटिवेशन चाहिए होती है, उसके लिए आपको एनवायरनमेंट चाहिए, उसके लिए आपको मोटिवेटिंग लोग चाहिए होते हैं। तो आप एक पूरा सिस्टम बनाते हैं, उसमें फिर आप बाहर निकलते हैं। और जब आपने देखा कोई भी बुरी आदत या बुरी बात छोड़ते हैं तो यूफोरिक कॉल्स आती हैं, जो लोग पीना छोड़ते हैं, जो लोग सिगरेट छोड़ते हैं, जो लोग एक पर्टिकुलर एक रिलेशनशिप के बारे में सोचते रहते हैं, वो इसलिए बार बार उसमें फंस जाते हैं कि जब यूफोरिक कॉल्स आती हैं तो आप गिव इन कर देते हैं। तो फिर आपको एनवायरमेंट क्रिएट होगा, बिल्कुल उसका सब्स्टिट्यूट अपने जहन में या जिंदगी में बनाया हुआ है, तो फिर आप वहां से नहीं जाएंगे। और एक और बात, मजे की बात है, जो सबसे आखिर में फिर आप कहेंगे बात सीरियस नहीं होनी चाहिए क्योंकि एंजॉय भी करना चाहिए। सच बात यह है इरम जी, जो हाँ मैंने अपनी जिंदगी के 30 सालों में और 20 साल सेल्फ डेवलपमेंट में और ये हजारों घंटे बात करके गुजारी है, कसम से लोग चेंज चाहते नहीं, उन्हें सिर्फ ये बातें अच्छी लगती। यही तो मैंने आपसे कहा था कि वो सूडो इंटेलेक्चुअल्स नहीं। चेंज का नारा सबको अच्छा लगता है, लेकिन अपने आप को हम बदलना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कोई और बदल जाए, सिस्टम बदल जाए और हमारा जिंदगी आसान कर दे। चेंज होने के लिए सबको अपने अपने हिसाब से चेंज होना होगा। मुल्क का सिस्टम चेंज हो, एनवायरमेंट का सिस्टम चेंज हो, तो हमको भी चेंज करना है। और पंजाबी च कहंदे ने जे दिल दिल में लोग, दिल से लोग बदलना नहीं चाहते, वरना बदलना चाहें तो आप यकीन करें स्काई इज द लिमिट, क्योंकि इंसान की कमाल की कोई इंतहा नहीं। उसका एक पंजाबी च कहंदे ने जे दिल पढ़े जांदे ते सारे फड़े जांदे, जे दिल पढ़े जांदे ते सारे ये फड़े। बात बिल्कुल सच है। दिल से जब नहीं चाहते ना, एंड आई वुड आल्सो से, हाँ, मैं ये भी कहूंगी क्योंकि ऑनेस्टली अभी चूंकि आई हैव लेड सम अमेजिंग पीपल थ्रू माय ट्रांसफॉर्मेशन कोर्सेज, कि एक एक बहुत जेन्युइन नीड फॉर अवेयरनेस भी है। वही जो आप बात कह रहे थे ना कि हम मुड़ के जिन लोगों की तरफ देखते हैं कि शायद इसके पास कोई जवाब है, ये वो पुरानी घिसी पिटी बातों को रिपीट करके रिगर्जिटेट करके बताते जा रहे हैं बताते जा रहे हैं। वेस्ट में सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा काम हुई है और उनके पास टूल्स भी हैं, ये भी है वो भी है, और वहां पे अब आप देख रहे हैं कि वो कितना बड़ा बिजनेस है। इट्स द मोस्ट वेल पेड प्रोफेशन इन द वर्ल्ड इज टू बी अ मोटिवेशनल स्पीकर इन द वेस्ट, नॉट इन पाकिस्तान, इन द वेस्ट। सो तो मैंने ये देखा है कि बाय वर्किंग विद दीज पीपल, आजाद आप यकीन कीजिए, इट ब्रॉट मी सो मच जॉय टू सी देम ट्रांसफॉर्म, एंड एट द सेम टाइम मुझे इतनी तकलीफ भी होती थी कि बहुत, अभी तो बहुत सिंपल बातें बताई थी, अभी तो बहुत सिंपल टूल्स दिए थे, ये तो बेसिक्स के ऊपर, फाउंडेशनल चीजों के ऊपर इन लोगों की, खवातीन की भी मर्दों की भी जिंदगियां चेंज हो गई हैं। ये तो बहुत फाउंडेशनल बातें हैं, ये वो वाली बातें नहीं है जो मैं और आप इतने साल से फिर असल जो ठुकाई हमने खाई है सेल्फ डेवलपमेंट के फील्ड में, क्योंकि एक सेल्फ डेवलपमेंट का जो जो सालिक है जो जो उस फील्ड में है, वो तो फिर आदी हो जाता है ना, उस दर्द में मजा आने लग जाता है कि यार अगर यहाँ पे तकलीफ है तो इसका मतलब है देयर इज सम हिडन हिडन शैडो दैट आई नीड टू वर्क ऑन, वो और तरह की बात है। बट नॉर्मली सेल्फ डेवलपमेंट का जो फर्स्ट लेवल है ना, मुझे आपको मैंने बताया, क्रिस ने मुझे 2-3 दफा ये बात कही है कि देयर आर 3 लेवल्स। पहला लेवल वो है जिसमें आप बेसिकली वो चीजें सीखते हैं जो आपने बचपन में सीखी थी, कल्चर ने सिखाई थी, किसी ने सिखा दी, जो भी है, और आपने रियलाइज किया कि ये चीजें ठीक नहीं है, एंड देन यू चेंज दैट,
and then you basically are able to transcend from that, और उसके बाद आपकी जिंदगी काफी level out हो जाती है. उसके बाद एक और फिर level है, वो जो seekers हैं, वो उनके लिए अगले दो levels हैं. और वो एक जो है, I think उससे मैं recently कोई चंद एक दो साल पहले ही गुजरी हूँ, जिसमें सारी कहानी फिर से बर्बाद हो जाती है और आपकी बिल्कुल noise जो है ना, वो finish हो जाता है. तीन चार truths रह जाते हैं बस जिंदगी में, तीन चार ही truths वही चाहिए होते हैं. Anyway, तो वो जो फर्स्ट लेवल है जिसके ऊपर 80-90% पीपल दे स्टॉप देयर, दे डोंट गो फर्दर, एंड दैट्स ओके बिकॉज़ ये हर एक के लिए रास्ता नहीं है. तो वो 80-90% वेस्ट में काफी उसके ऊपर चल रहे हैं क्योंकि वहां पे हैं ये टूल्स अवेलेबल. तो मुझे जो दुख हुआ था कि यार मैंने तो अभी बड़ी फाउंडेशनल बातें की हैं, अभी तो मैंने कुछ बातें की हैं जिसकी वजह से पूरी पूरी जिंदगियां चेंज हो गई लोगों की ओवर अ पीरियड ऑफ 30 days, दिन और रात का डिफरेंस आ गया. दैट वॉज वेरी पेनफुल फॉर मी. सो आई रियलाइज के इधर ईस्ट में देर इज अ जेन्युइन लैक, अ ह्यूज शॉर्टेज ऑफ गुड टीचर्स एंड ऑफ गुड इंफॉर्मेशन. क्योंकि अब जिस तरह आई थिंक जो मेरे ऑडियंस को जो चीज बड़ी पसंद है कि एक तो हमारे यहाँ एक नेचुरल अवर्जन है कि हमने इन वेस्टर्न लोगों की बातें नहीं सुननी, इनकी बातें हम नहीं सुनना, ये पता नहीं क्या बातें करते हैं दीन से दूर. कुछ लोगों को एक्चुअली समझ ही नहीं आती. So I think what they like about me, क्योंकि मैंने उस बड़ी देर उस उधर की खाक छानी है, कि I can connect the two, कि मैं उनको इस्लाम के साथ, क्योंकि मुझे इस्लाम में वो जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं वो तो हर जगह हैं. तो आई थिंक मे बी दैट्स व्हाट दे लाइक. तो एक तो नंबर वन बात ये है कि देर इज अ जेन्युइन लैक ऑफ नॉलेज आजाद, जिसके ऊपर आई वांट टू कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. देर इज अ जेन्युइन लैक ऑफ नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन. लोगों को पता नहीं है कि वो कौन से टीचर्स हैं जिनके साथ लग के वो अपनी कोई जिंदगी में बेहतरी ला सकते हैं. तो इसमें सो मेरा तो मैंने पहले ही बता दिया मैं सबको, आई डोंट लाइक डूइंग वन ऑन वन वर्क. यू एक्चुअली हैव एन अमेजिंग. इसमें ना इरम जी, इससे पहले कि आप आगे जाएं, ये पॉइंट जो भी आपने दिया बड़ा वैलिड है. देखें ना, कोई वेस्ट की फिलॉसफी ला रहा है. मैंने आपसे कहा ना, रब हर इक्वेशन में है. सो हर बात जो है वो कहते हैं क्या था, अंदाजे बयां रंग बदल देता है सैफ, वरना दुनिया में कोई बात नहीं बात नहीं. बिल्कुल. आप ये जितने मोटिवेशनल स्पीकर हैं, अभी जो मैंने आपको द सीक्रेट बताया है या सीक्रेट ऑफ सक्सेस और हैप्पीनेस बताया है, ये सारे के सारे ये रब से लिए हुए हैं, हुजूर पाक से लिए हुए हैं, तमाम वली अल्लाह जो हैं उनसे लिए गए हैं. तो इल्म जो होता है वो किसी वेस्ट का या ईस्ट का नहीं होता, इल्म इल्म होता है. इसीलिए रब कहता है तुम्हारा हिसाब तुम्हारे जमाने के हिसाब से होगा. उसके हिसाब ने हमने उसमें हमें एक जिंदगी बनानी है. और मैं अक्सर शो में कहता हूं, मैं दूसरे लोगों की फिलॉसफीज जीने के लिए नहीं पैदा हुआ. मेरी फिलॉसफी ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब है लव फॉर विजडम. ठीक है. तो और दूसरी बात, ये जो लोग साइकोलॉजी से इतना भागते हैं, अभी मेरा ना कल परसों शो आने वाला है मोटिवेशन के ऊपर, उसमें एक बात है जो एक सिंपल सी बात हमको समझनी. ट्राई टू लर्न अबाउट योर ओन साइकोलॉजी. I'm not talking about clinical psychology. I'm not talking about educational psychology, developmental psychology, health psychology, forensic psychology. नहीं, उस experts का काम है. आपका काम है अपनी psychology समझें. Greek word है psyche. इसके दो बहुत ही खूबसूरत मतलब हैं. एक का मतलब है breath, spirit, soul, और दूसरे का मतलब है mind. So it's the study of spirit, study of soul, and the study of mind. तो दोनों जो हैं, soul भी हमारे साथ related है, mind भी हमारे साथ related है. तो अपनी साइकोलॉजी को समझें. जैसे वो किसी ने कहा था ना कि सीक द ट्रूथ एंड ट्रूथ शैल फ्री यू. ठीक. तो हर बंदा उसको कोट कर रहा था. मैंने कहा लेकिन जो बात उन्होंने आगे नहीं बताई वो आप भी तो बताएं. बिफोर फ्रीइंग यू इट्स गोइंग टू हर्ट लाइक हेल. ठीक है, निकाल देगा आपकी. और इसमें ना मजे की बात यह है कि जब एक भाई जान थे बड़े आलिम और आकिल आदमी थे, उन्होंने कहा था जो लोग अपनी जिंदगी के इब्तदाई सालों में In the initial years of your life, painstaking process से गुजरकर इल्म हासिल नहीं करते, इल्म हासिल करने की तगोदा नहीं करते, वो सारी जिंदगी जहालत की सख्तियां झेलते रहते. And that is what is happening. आप इस दुनिया में आए, आपको एक गिफ्ट दिया गया, चैलेंजेस दिए गए, उसमें से आप एक दो तीन प्रोफेशंस में रहे, आपने दुनिया ट्रेवल की, आपने कुछ देखा पढ़ा लिखा, तो अब आप अपनी फिलोसफी तो दें, अपनी सोचे भी तो दें. आपने क्या देखा अलमिया, पता है क्या है, हमें बताया गया कि रब. जब मैं बचपन छोटा था ना, तो जब मैंने आपने कहा फर्स्ट स्टेज के ऊपर, मैं तो अभी पहली स्टेज पे हूँ सेल्फ डेवलपमेंट के, जो इन्होंने मुझे रब के बारे में बताया था, रब वैसा था ही नहीं. वो तो किताब पढ़ के पता चला वो बिल्कुल और है.
इन्होंने कहा था दुनिया ऐसी है, दुनिया तो बिल्कुल भी ना बुरी थी ना अच्छी थी, दुनिया तो दुनिया थी, वो वैसी है जैसी है. एंड विजडम बिगिंस फ्रॉम द डे यू स्टार्ट सीइंग थिंग्स द वे दे आर रादर देन हाउ यू वांट और अज्यूम देम टू बी. तो जब आप इस तरह चीजों को देखना शुरू करेंगे, जो चीज मेरे लिए वीकनेस है आपकी स्ट्रेंथ होगी. तो हम लोगों ने जिंदगी को देखकर अपनी गिफ्ट्स को देख के, अपनी वीकनेसेस को देख के एक लिवेबल लाइफ क्रिएट करनी है. उसके बीच में बहुत सारी चीजें, उस रास्ते पर जब आप जा रहे होंगे तो उसी रास्ते के माइलस्टोन आप हिट कर रहे हो. तो जब हम रोज अपना रास्ता बदल देंगे, रोज हम अजीब अजीब चीजें या यू टर्न लेते रहेंगे, तो ये मसाइल रहेंगे. लेकिन आप डायरेक्शन पकड़ लें और उसके साथ ट्वीक करते रहेंगे अपना रास्ता, तो मेरा ख्याल है सुकून और खुशी इन चीजों में मिल जाती है आदमी. थैंक यू. यस, वेरी गुड आंसर. थैंक यू मैम. और आपकी आपकी इस बात से मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ कि वही जो मैं कह रही थी कि डोंट आउटसोर्स. ये जो अल्लाह के साथ आपका रिश्ता है, जो बंदे और अल्लाह के दरमियान जो रिश्ता ना, ये किसी को आउटसोर्स मत करें. ये सबसे कीमती असासा होता है, इसी से जिंदगी में सुकून होता है और इसी से आपकी आखिरत भी बननी है. इसको आउटसोर्स मत करें, इसको डेलीगेट मत करें, खुद खुद समझें. दुनिया की सबसे तकलीफ दे और सबसे बड़ा जुल्म हो किसी और ने ना समझी में या ना जानते हुए या कम अकली में या अपनी अन इंटेंशनली मखलूक को खुदा से दूर कर दी. हमें लोग रब से डरा रहे. प्यार करने वाला जो है, जो आपके लिए जिसने सब बनाया है, जिसने आपके लिए एनवायरमेंट से लेके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेके बिग बैंग के बाद पूरा एनवायरमेंट क्रिएट किया कि आप पनप सके, आप उसकी कुंजी हैं, आप उसका बंदा हैं, बेस्ट ऑफ द क्रिएशन है. उसने आपके लिए इतनी तगोदो करके आपके लिए एक चीज बनाई है और आप किसी और को बीच में डालकर ठेकेदारी के चक्कर में उसमें आप खुद पढ़ेंगे, खुद समझेंगे, खुद फील करेंगे रब की जात को और समझेंगे. उसके बाद वो कहता है अगर कोई चीज नहीं समझ आती तो पूछो उनसे जो जानते हैं, अगर तुम नहीं जानते तो पूछो उनसे जो जानते हैं, फिर जाके आप उनको फॉलो ना करें. मैं इसलिए लोगों को कहता हूँ, मेरा जो इंस्टाग्राम का पेज है ना azadkhan.official, आप प्लीज फॉलो ना करें, मुझे ना फॉलो करें. जो मैं लिख रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं, अगर आप उससे आप एग्री कर रहे हैं या आपको लगता है कि यार ये रास्ता या ये इक्वेशन ठीक बन रही है, तो उसको फॉलो करें. हम लोगों को फॉलो करके उनकी अकीदत में और उनको पता नहीं कहां ले जाते हैं, पेडेस्टल पे बिठा के उनसे परफेक्शन एक्सपेक्ट करते हैं, फिर हम डिसअपॉइंट होते हैं. तुम कहते हैं फिर इसका ये इल्म भी गलत होगा. जरूरी नहीं है कि इल्म गलत हो. जो परफेक्शन आप में नहीं है आप मुझसे मत एक्सपेक्ट करें. आप झूठे हैं तो आप मुझसे सच एक्सपेक्ट मत करें, बिकॉज आप झूठ बोलते हैं, मैं आपसे तालुक ही नहीं रखता. रब के साथ, रब को हम हक कहते हैं, वो सच है. हम सारा दिन झूठ बोलते हैं. और हुजूर पाक की एक मुस्तनद थी, बड़े मजे की बात है. और मैं ये पूछता हूँ लोगों से कि भाई वो कहते हैं, वो अब मुसलमान मुसलमान की बात है ना, तो लोगों पे फतवे लगाते हैं. तो एक हदीस से बस याद कर लें, आपकी जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी. उन्होंने कहा मुसलमान में कोई भी ऐब, कोई भी खराबी हो सकती है, कोई भी गुनाह, कोई भी गलती कर सकता है, सवाए झूठ नहीं बोलेगा और फरेब नहीं देगा. तो जब आप धोखा दे रहे होते हैं, जब आप स्विंडल कर रहे हैं, गेमें कर रहे हैं, और आप एक चीज के बारे में झूठ बोल के उसको बेच रहे हैं या उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो जब आप दो ही काम नहीं कर रहे, तो आप मेरे और आपके या लोगों के कहने पे या कमेंट्स देने वालों की बात नहीं कर रहा, मैं हुजूर पाक की बात कर रहा हूं, ठीक है. वो कह रहे हैं कि झूठ और फरेब, अब ये दो से आप काम नहीं लेंगे. झूठ वो नहीं होता जो आपकी जगह नहीं बनती और आप मुझसे पूछे मैं आपको बताऊं, नहीं, मैं आपको एक चीज बेच रहा हूँ उसके बारे में झूठ बोल रहा हूँ, मैं आपसे एक काम और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ उसमें मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो या मेरा आपसे एक ताल्लुक मैंने बनाया मैं उसमें झूठ बोल रहा हूँ. तो ये जो चीजें हैं, फरेब देना. और ये एक और बात है इरम जी, ये लोगों को समझ नहीं आ रही. वो समझते हैं कि इसके बदले में उनसे कुछ चाहिए. मैं ये काम फलाह के लिए नहीं कर रहा. बाय द वे मैं ये क्लियर कर दूं, मैं पिछले 10-12 साल से बिना कोई पैसा लिया, 2 घंटे का अपना काम और ये जो 4,000 करता रहूंगा. मैं इसको अपनी खुशी के लिए, अपने सुकून के लिए, अपने डोपामिन हिट के लिए और अपने उन 4 दोस्तों से जिनकी जिंदगी मेरे समेत बदली, दोस्त दुनिया में हैं भी नहीं, उन 2 लोगों से मैं बातचीत कर रहा हूं और बाकी लोग अपनी बात कर रहे हैं. और मुझे किसी ने मुझसे पूछते रहते हैं सर हम आपके लिए क्या कर सकते हैं. बड़े बड़े लोग हैं, मिलता रहता हूं मैं लोगों से जो लोग इन काइंड करना चाहते हैं बहुत सारी चीजें. तो एक दफा एक साहब ने मुझे पूछा सर आप मुझे बताएं मैं आपके लिए क्या करूं. उस पर मुझे एक शेर आया, तो मैंने कहा ना मुझे कुछ चाहिए ना मुझे कुछ दीजिए, ना मुझे कुछ चाहिए ना मुझे कुछ दीजिए, इतना ही बहुत है, आप अपना कुछ कीजिए. ठीक होंगे ना, जब आप अपने आप पे काम कर लेंगे, यू आर हैप्पी, यू आर वर्किंग, योर फाइनेंसेस आर इन ऑर्डर,
सो यू नॉट गोइंग टू, मुझे आपके लिए ना मुझे तकलीफ नहीं दे रहे होंगे, मुझे परेशान नहीं कर देंगे, मेरे पास एक और बंदा मसले लेके नहीं आया। और एक और बात, आपने मुझे कितनी दफा घंटों वहां पर देखा है लोगों से बात करते हुए, वो कॉन्टेंट है। मैं लोगों से कहता हूँ मैं कुछ चीज करता हूँ वो हो जाती है तो कॉन्टेंट है शो का, नहीं होती तो कॉन्टेंट है शो का, ठीक है। जब आप होते हैं तो आप कोई इस तरह बड़ी बड़ी चीज सोच के या गाइड करके, और जहां तक आपने कहा था टीचर्स नहीं मिलते, फिल्म जी व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी द टीचर अपीयर्स, देन द टीचर अपीयर्स, आई एग्री दैट पार्ट आई एग्री विद, एंड परहैप्स जिसको जो चाहिए, मुझे जो अपनी जिंदगी में करना था या चाहिए था, मैंने हर चीज के रास्ते में चला, मुझे हर चीज मिली, एक गिला नहीं है मुझे, ना मुझे बंदों से ना मुझे रब से। आपने मुझे इतने सालों से जानते हैं, कभी आपने मेरे मुंह से रब के बारे में कोई गिला सुना? मेहरबानी इतनी ज्यादा है, आपकी अपनी मर्जी है उसमें आप कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं या नहीं, आपको जो दिल चाहे करे। बिल्कुल, और यही जो मेरा ख्याल है, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन कि मेरा रब के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है, वो तो मेरी हर वीडियो में कहीं ना कहीं से सुनाई दे जाता है। फिलहाल आजकल मैं, हाँ पर्सनल है, लेकिन मैं कहने लगी थी फिलहाल आजकल BFF का रिलेशनशिप है और वो मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ और बहुत मजा आ रहा है उसमें कि मेक अल्लाह योर बेस्ट फ्रेंड, व्हेन अल्लाह बिकम्स योर बेस्ट फ्रेंड हाउ लाइफ बिगिंस टू ट्रांसफॉर्म एंड शो अप। खुशी में जब आप लोगों से मिलते हैं ना तो वो अपने नसीब को बड़ा कोसते हैं, तकदीर खराब थी, काश ये ना होता, काश वो ना होता। आप यकीन करें अरबी में नसीब लफ्ज का मतलब पता है क्या है? जिस रब ने हमारे लिए वो लफ्ज चुना है उस लफ्ज के खिलाफ एक एक जुमला, एक एक रोज हम उसके बारे में बात करते हैं। उस लफ्ज का मतलब है सहरा में ना खत्म होने वाला पानी का जखीरा। और हमारे हम सिर्फ अपने रास्ते खुद बंद करके, दरवाजा बंद करके या दरख्त को कलावा मार के, कलावा समझते हैं पंजाबी में कहते हैं, वो बेयर हग करके कहते हैं मुझे ये दरख्त नहीं छोड़ रहा, मुझे ये दरख्त नहीं छोड़ रहा, तो खुद दरवाजा बंद करते हैं, अंदर कोई नहीं आ रहा, दरवाजा बंद हो गया है। तो हमने खुद अपने लिए ये सारा, ये जो है ना, ये तकलीफ अपने लिए खुद बनाई है सारी। और बाकी इंसान थोड़ा सा, मैं यहाँ पे ये भी समझता हूँ, वो एक शेर था बड़ा अच्छा, रिज्क मलबूस मकान, रोटी कपड़ा मकान होता है ना, रिज्क मलबूस मकान सांस मर्ज कर्ज दवा, मुनकसिम हो गया इंसानी अफकार। तो हम इन्हीं पांच चार चीजों के बीच में पड़ गए और इसी को हमने इतना मुश्किल कर दिया कि हम बाकी चीजों से हमारा ध्यान नहीं होता और कोई अच्छी बात करना चाहता है तो उसके भी। और अगर एक और मेरी आज आप ना बड़ी ऑडियंस है माशाल्लाह आपकी, लोगों से ये है कि जब कोई अच्छा काम करते हुए देखे ना तो अगर आपको बहुत तकलीफ हो रही है तो चुप कर दें, करने दें उनको, उनकी इंटेंशन के ऊपर उनकी बातें करने के बजाय द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज जस्ट बी क्वाइट। और कोई बुरा काम होता है तो आप जरूर बोलें या फिर अपनी मर्जी का, बिल्कुल अपनी मर्जी का अच्छे काम, दुनिया में दोनों ताकतें चलती रहेंगी तो बैलेंस रहेगा, अच्छाई का भी बुराई का भी। हमारा मसला यह है कि हमने अभी तक टीम ही सिलेक्ट नहीं की, हम तमाशाई होते हैं ना, हम इधर से खेल रहे हैं ना वहां से खेल रहे हैं, और तमाशाइयों को तो ना पैसे मिलते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं ना इज्जत मिलती है ना उनकी सेहत अच्छी होती है ना उनको इंजरीज होती है ना कोई एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो पहले चेक कर लें कि आपने गेम में आना है या बाहर बैठ के तो आपने सिर्फ तालियां बजानी ये सही बात है, गुड सजेशन, गेम में आना है तो फिर खिलाड़ियों की तरह चोटें भी लगेंगी, सही है, ठीक है, दिस इज गुड। अच्छा आजाद, बिलीव इट और नॉट, हमारी ये गप्पे लगाते हुए मुझे तो पता था यही होगा, बट तकरीबन 2 घंटे हो गए, 1.5 घंटे से ऊपर हो गया, लेकिन दो चीजें मैं आपसे पहले क्लियर, दो चीजों का वादा मैंने किया था। एक तो ये कि आपसे ये लेना है वादा कि इंशाल्लाह, इट सीम्स, देखिए आज माशाल्लाह एवरीबॉडी, प्रीटी मच एवरीबॉडी दैट जॉइंड इन हैज स्टेड थ्रू आउट, और एंड में पता चलेगा हाउ मेनी पीपल वर वाचिंग, एंड आई नो दैट मेनी विल वॉच द रिकॉर्डिंग, तो इट सीम्स दैट दे रियली लव्ड इट, अल्लाह का एहसान है, दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, आप और मैं, यही हमारा गोल था डैलस में भी यहाँ पे भी, कि जो चीज़ों से ज़िंदगी की कुछ समझ आ गई है जिसकी वजह से कुछ थोड़ा बहुत लोगों की ज़िंदगियों में अगर आसानी पैदा होती है तो वो शेयर किया जाए, वो नॉलेज फैलाया जाए, उसको उसको आम किया जाए, तो इंशाल्लाह ताला इस मकसद के ऊपर आपको इंशाल्लाह विल यू हैव टू कम बैक
और वो उस वक्त फिर हम आज हमने क्वेश्चंस नहीं लिए व्यूअर्स के, बट नेक्स्ट टाइम लेंगे भी और टॉपिक स्पेसिफिक भी रख सकते हैं. और एक तो ये, दूसरा ये कि आपकी नज़म के बगैर ये शो एंड नहीं हो सकता, बिकॉज आपके जो मैंने मेंशन किया था, पीपल डोंट रियलाइज दैट यू आर एन अमेजिंग पोएट. आई लव योर पोएट्री ऑल्सो. और वो जो अब मेरी एक बड़ी फेवरेट नज़म है सोच, आपने मेंशन भी की थी, वो वाली अगर आज आप सुना दें तो उसके साथ फिर हम वी विल एंड द शो. आपने इतना वक्त दिया, बुलाया, आपको पता है मैं इंटरव्यूज वगैरह दिए, मेरा पहला जूम इंटरव्यू है. हाँ, आप नहीं करते इंटरव्यूज, आप, आई नो, क्योंकि मेरे पास वो रेडियो आजाद का प्लेटफॉर्म है, वहाँ अभी जितनी बातें आपके लोगों के कुछ क्वेश्चंस होंगे ना, मैं हर बंदा मुझे आई कैन बी आई एम अ वेरी रीचेबल पर्सन, सो दे कैन ऑलवेज ईमेल मी एट azad@radioazad.us. हमारा रेडियो आजाद का जो फेसबुक पेज है उस पर हमारे फेसबुक लाइव होते हैं, उसमें लोग डायरेक्ट कॉल इन करके भी क्वेश्चंस अपने करते हैं, बल्कि मैं लोगों को सवालों के जवाब नहीं देता, मैं सिर्फ अपना एंगल देता हूँ, मेरी हम्बल सी एक जो जगह है मैं वहाँ पे अपना ओपिनियन देता हूँ, और बाकी लोग जो है वो आजाद खान फेसबुक पेज के ऊपर, इंस्टाग्राम पे आजाद खान डॉट ऑफिशियल है, वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं और अपना पॉइंट्स या अपने कोई मैसेज देना चाहें तो जरूर दीजिए. ये जो पोएम्स थे ना, ये जो शायरी, मैं गजलें भी लिखता हूँ, शेर लिखता हूँ, रुबाइयाँ लिखता हूँ, आजाद नज्म लिखता हूँ, जो कि मेरा बड़ा फेवरेट है, क्योंकि कुछ अल्फाज अगर बुन दिए जाएं तो उससे बड़ा कॉन्सेप्ट उससे निकलता है. लेकिन असल चीज हैप्पीनेस का जो आज का टॉपिक था, इससे रिलेटेड मैं एक बात कहूंगा, एवरीबडी वॉन्ट्स टू फील राइट. कहते ना, आई डोंट फील राइट, आई डोंट फील राइट, देयर इज समथिंग मिसिंग, समथिंग रॉन्ग, आई डोंट फील राइट. यू आर नेवर गोइंग टू फील राइट अनलेस यू आर गोइंग टू लर्न टू थिंक राइट. यू वी ऑल हैव टू लर्न टू थिंक राइट, ठीक है, और उसको आपने अलाइन करना है कि व्हाट इज राइट के साथ आपने अलाइन करना होगा, अपनी मर्जी से नहीं बनाना. तो उसके ऊपर थी सोच, एक बड़ी कमाल चीज है, इंसान को कहां से कहां पहुंचा देती है, सोच से ही पता चलता है, फिक्र से ही इंसान का पता चलता है. मैं जहां काम करता था ना, वहां पे आते जाते हुए एक कोटेशन लिखी हुई थी, वो थी, इल्म का कोई भी दर्जा तदब्बुर से बड़ा नहीं, नो लेवल ऑफ नॉलेज इज बिगर देन कॉन्टेम्पलेशन. और पहले कि मैं आगे जाऊं, एक चीज जानने के लिए आज के शो में से अगर हमने, और ये मैंने रब से एक्चुअली कॉन्सेप्ट लिया था कि तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों के लिए आसानियां पैदा करता है, तो इसीलिए ये शो शुरू हुआ था, इसीलिए ये रेडियो आजाद का पूरा कॉन्सेप्ट बना. जाने से पहले उन तमाम लोगों के लिए जो कि खुशी से रिलेटेड कोई भी चीज करना चाहते हैं, वी हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी द वे इट इज. हुजूर पाक की बहुत फेवरेट दुआ है, मैं जब करता हूँ वो दुआ जरूर करता हूँ, ऐ मेरे रब मुझे चीजों की असल हकीकत का इल्म दे. और जब आपको असल हकीकत पता चल जाएगी तो कुछ लोग आपको नहीं चाहिए होंगे, कुछ चीजें नहीं चाहिए होंगी, कुछ ख्वाहिशात आप छोड़ देंगे, क्योंकि उनकी असल हकीकत नहीं जानने की वजह से हम लोग दुखी हैं या नाखुश हैं. तो ये तो वो था. अब सोच के ऊपर, हाँ जी, सोच, ये सोच है क्या शाखिर, ये सोच है क्या शाखिर, इतनी गहरी इतनी विशाल, हर आन करे कमाल, कभी आब जमजम की सबील तो कभी उम्र अय्यार की जंबील. सोच को बहुत सोचा, बहुत खोजा, सोच को बहुत खोजा, फिर मामला खत्म इस पे हुआ कि सोच ही कुन फयकून है. वाह वाह वाह. सोच पत्थर में डाल दें तो भगवान बन जाता है, आदमी में डाल दें तो इंसान बन जाता है, आदमी इंसान बन जाता है. वाह वाह वाह, जबरदस्त, क्या बात है. नाइस. पत्थर में डाल दें तो भगवान बन जाता है, आदमी में डाल दें तो इंसान बन जाता है. कितनी सही बात. Your thinking can really, really change your life. So true. बिल्कुल सही. मेरी तो बदल गई, इसलिए मैं शेयर करता रहता हूँ. बाकी मुझे ना, मैं टीचर हूँ ना मैं सीरियसली, ये लोगों ने कहा है कि आप मोटिवेशन स्पीकर हैं, लोग ही कहते हैं आप एक्टर एंड राइटर. मैं इतना लंबा सोचता नहीं हूँ, मैं अपने काम पे फोकस करता हूँ, जिंदगी में एक लाइफ क्रिएट करता हूँ जो मैं जी सकूँ, कंफर्टेबल हो सके, मैं सुकून में रह सकूँ. थोड़ा सा मेरा वक्त रह गया इस प्लेनेट के ऊपर अपने बहन भाइयों के साथ, हम खुश रहें, एंजॉय करें, गपशप लगाएं और कुछ अच्छी चीज सीखें. हम एक दूसरे, हज़रत अली का कॉल है ना कि महफिलें दो ही किस्म की, जिसमें आप कुछ सीखें या सिखाएं. दो किस्म की महफिल होती है, जिन लोगों से आप प्यार करते हैं, जिनसे आपकी अकीदत होती है, अच्छे इंसान जो है वो मिलते हैं, तो आपको इंस्पिरेशन मिलती है, आपको खुशी मिलती है कि आपने अपनी मर्जी से एक वक्त जो है वो किसी को दिया. आज मुझे वो खुशी हो रही है, बाय द वे, और भी आपके साथ बड़े अरसे के बाद बात भी हुई, माशाल्लाह से देखा भी बड़ा, और आपका काम जो कर रही है पाकिस्तान में मैं उसको बहुत सराहता हूँ. यहाँ पे भी आपने जब किया था तो बहुत लोग आप
के फैंस भी थे माशाल्लाह, और बहुत कुछ आपसे सीखते रहते हैं। जब भी आपसे बात होती है अपने कुछ चीजों को मैं कंफर्म करता हूँ, कुछ चीजों को यू नो देयर इज सो मच इनसाइड ऑफ मी loud wali baat. This is the beauty of this is the I think this is the highest form of friendship when you have regard, respect, and you learn from your friend, which is what we have. So alhamdulillah. Aur wo jo aapne baat ki thi zarf ki jo baat thi ke waqai dosti mein I think one of the most important elements is zarf. Ba zarf insaan se dosti karenge to dosti ka maza bhi aayega, kam zarf se karenge to phir wahi hoga jo kam zarf insaan ke sath hota hai. तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह की, मैंने हमेशा अल्लाह की बहुत गहरी ब्लेसिंग्स में काउंट किया है आपकी फ्रेंडशिप को भी और भी जो फ्रेंड्स थे, ये अल्लाह की बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है ऑनेस्टली. जब अल्लाह ताला मेहरबान होता है आपके ऊपर तो वो ऐसे लोग आपको भेज देता है आपकी जिंदगी में जो आपको उससे करीब करते हैं, क्योंकि अल्लाह तो खुद आके हमें नहीं हाथ पकड़ के लेके आएगा ना कि आ जाओ मेरे पास. वो कुछ ऐसे लोग भेज देता है जो आपको अल्लाह की तरफ और अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह की बातें और वो सारी वो जो सिलसिला शुरू हो जाता है वो अल्लाह की खास मेहरबानियों का आई थिंक एक निशानी होती है. बाकी सब तो चलता रहता है ना, किसके पास रोटी मतलब है, उसने आपको इल्म दिया, अकल दी, समझ दी, टूल्स दिए, एनवायरमेंट दिया, माँ बाप दिए, बहन भाई दिए, और उसने अपने वक्त पे वो ले भी लिए, कोई बात नहीं, उसी ने दिए थे जो कुछ, ये पैसा उसी ने दिया. उनका मतलब असल समझते नहीं है हम, पढ़ देते हैं पर असल मतलब क्या है. उसने हमें थोड़े से वक्त के लिए, हम यहाँ आए ट्रांजिशन पीरियड में, कोई इतना पागल, आप कभी यहाँ से अगर पाकिस्तान से अमेरिका से पाकिस्तान जाते हैं तो दुबई के ट्रांजिट में आप वहाँ घर नहीं बना लेते, आप वहाँ पावर के लिए पागल नहीं हो जाते, आप सारी खुशियां लेके और एफर्ट्स जाते एक लिवेबल सी लाइफ जिसमें आप किसी से मांगना ना पड़े, किसी के साथ आपके जो मामलात हैं वो ठीक रहे, बिजनेस है, जॉब है, रिलेशनशिप्स हैं, उसमें कंफर्टेबल रहें, हम एक दूसरे के लिए आसानी रखें चीजों के अंदर, और जो अपने स्टैंड पॉइंट्स हैं दो चार उस पे हम खड़े रहें, तो रास्ता इतना मुश्किल है नहीं. जिंदगी हमने मुश्किल कर दी है, इतनी मुश्किल. आपको लगता है कि रब जो है, एक कोई बाप जो है वो कोई बच्चा पैदा करके सोचता है कि इसको मैंने पैदा किया अब इसको रगेदूंगा मैं, या इसको दुनिया में जलील ख्वार होगा ये, इसको मुझसे मांग के खाना पड़ेगा, लोगों से लड़वाऊंगा मैं इसको, मैं लोगों के साथ, ऐसा तो वो नहीं चाहता. तो आपके लिए चैलेंजेस बनाए हैं ताकि आपकी जो असल मसल बिल्ट हो, माइंड के मसल, सोल के मसल, आपकी हेल्थ, आपकी फिजिकल जो मसल बिल्ट हो, और आप कमाल कर सकें जिस काम के लिए पैदा हुए हैं. और बाकी मसाइल तो हमने खुद पैदा किए हैं, गलत लोग चुनते हैं, गलत एनवायरनमेंट में जाते हैं, गलत जगहों पे, शराब खाने में दूध का गिलास ढूंढते हैं फिर कहते हैं जी के मिलता नहीं है. तो मतलब जहां आप जाएंगे जिस किस बुरी जगह पे आपको कम जो है ना अच्छे बंदे मिल जाएंगे. ठीक है जी, दरमियाना सा अच्छा बंदा भी आपको बहुत अच्छा लगेगा. अच्छी जगह जाएंगे तो अच्छे लोग भी मिलेंगे, अच्छा काम भी करेंगे, तो उसके लिए थोड़ी तकलीफ करनी पड़ती है. और इतना मुश्किल है नहीं खुश होना, खुदा की ब्लेसिंग्स को काउंट करना, अपनी जिंदगी में जो आपको मिला है उसमें थोड़ा सा लोगों सदका जारिया में देना. एक्चुअल मुझे तो इतना मुश्किल नहीं लगा, या फिर रब की मेहरबानियां बहुत थी इसलिए शायद मैं ऐसा सोचता हूँ. बाकी लोगों पर जो उनका दिल चाहे सोचे करें. अल्हम्दुलिल्लाह. और हमने काफी इसमें वो भी पॉइंट्स भी शेयर किए, आपका फॉर्मूला भी शेयर किया है, और भी चीजें इंशाल्लाह ताला शेयर करते रहेंगे. थैंक यू सो मच आजाद, इट वाज जस्ट सच अ प्लेजर. आप लोगों को भी, यू गाइस गॉट टू काइंड ऑफ, एक आपने स्नीक पीक की है व्हेन आई एम विद माय फ्रेंड्स, खासतौर पे विद फ्रेंड्स लाइक आजाद, व्हाट काइंड ऑफ कन्वर्सेशंस वी हैव. दिस इज व्हाट आई लव. मुझे इसीलिए मैं कभी पार्टीज पे नहीं गई क्योंकि मैं इन पे इंतहा बोर हो जाती हूँ, बिकॉज मुझे तो ये चाहिए होता है वन ऑन वन टॉकिंग एंड देन माइंड एक्सपेंशन और उसके अंदर गहरी जाके बातचीत, और हम इस तरह घंटों कर सकते हैं. सो दिस इज व्हाट ब्रिंग्स मी जॉय एंड दिस इज हाउ आई डू द वर्क आई डू ऑल्सो. क्योंकि हम जैसे लोगों को जो दिन भर हम बोल बोल के और लोग समझते हैं बेचारी थक गई होगी, दे डोंट नो कि एक्चुअली दिस इज व्हाट वी लव डूइंग. दिस इज ग्रेट फॉर अस, बट द वे वी रिचार्ज. This is what you always do. Program के end में नज़म के बाद बात खत्म हो जानी चाहिए थी, अभी खत्म ही नहीं हो रहा, फिर भी कर रही हूँ क्योंकि एक दो questions पे नज़र पड़ गई थी. So you know this is the beauty of it. So thank you so much. Inshallah we will continue to bring you guys more content. और Azad, take care of yourself. Say hello to Dallas for me. And say hello. My two favorite places in the whole wide world.
एक डेलस और दूसरा लाहौर. नो प्लेस लाइक लाहौर एंड डेलस. इधर इसीलिए मैं यहीं रहता हूँ, यहीं मेरे घर है और यहीं पे मैं लोगों से मिलता हूँ, यहीं पे मेरे दोस्त हैं ज्यादा. I agree with you on both counts. So, and much love to our viewers also. Thank you so much for being with us today. I hope this helped you. And inshallah, talk to you soon. Khuda hafiz. Khuda hafiz.